मंटो साहब, हो गई मंटो साहब? हाँ हो गई। कहा सुनोगे? सुनाइए। उन्वान है सिया हश। सुनो फिर। मैंने उसकी शारक पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये क्या किया तुमने? क्यों, इसे हलाल क्यों किया? मजा आता है इस तरह? मजा आता है कि बच्चे, इसे झटका करना चाहिए था। और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगा राम के बुत की तरफ चल पड़ा। लाठियां बरसाई गईं और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तार कोल मल दिया, दूसरों ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर पुलिस आ गई, गोलियां चलना शुरू हो गईं, जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया। चुनांचे मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगाराम अस्पताल पहुंचा दिया। बिग इम्प्रूवमेंट। और रिपोर्ट सही है? मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक शॉक्स की जरूरत नहीं है। आई मीन दिस व्हाट द रिपोर्ट सेज एक्चुअली। सर सर, पट्टू जी नई कहानी सुना रहे मरीजों को? दिमागी मरीजों को कहानियां सुनाई जा रही हैं, और वो भी मंटो साहब की? सर ये तो सिर्फ कहानियों पे मुनहसर है। जहां तक हमें पता है वो अमेरिका के खिलाफ एक खत भी लिख रहे हैं अंकल सैम के नाम। ओ भाई, इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हैं, और वो भी ऑफिस से क्लियरेंस लेके। सर और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। तलाशी ले जी। ओए बंदा बन, तलाशी की जरूरत नहीं है, बस नजर रखा करो। ठीक है सर। खास मरीज हैं, मैं उनकी डोज बढ़ा देता हूँ ताकि ज्यादातर वक्त सोते रहें और कहानियां लिखने का मौका भी ना मिले। ग्रेट आइडिया, डन। अरे वो कभी तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा हुआ करता, फिर बदल गया, इंकलाब की खिदमत करने के बजाय फौश नवीसी कर रहा है। उसकी इसी वजह से तरक्की पसंद तहरीक बदनाम हो रही है। बदनाम तो वो लोग होते हैं जो नेक नाम हो। आप लोगों ने क्या नाम कमाया है? मंटू कब था आपकी तहरीक का हिस्सा? सर शुरुआत तो उसने रूसी अदब के तराजम से की थी। वो सोशलिस्ट बारी अली का शागिर्द कहलाता था। जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। खैर हम तो ऐसे मौका परस्त और रुजत पसंदों का बायकॉट करने का फैसला कर चुके। वजी वैसे मंटो साहब अभी वहीं हैं मेंटल हॉस्पिटल में? हाँ फिलहाल तो वहीं हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? वजी उनका कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं सोचा था कि वहीं भिजवा दूँ। पागल हुए हो इलाही बख्श। अरे इसी लानत से बचाने के लिए तो उसे वहाँ दाखिल कराया, तू वहाँ बोतल पहुँचाएगा? वजी मैंने तो सोचा था ऐसी बहाने कुछ हाल अहवाल भी कर लूँगा। ये तो अशर है जनाब। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे जदे पान भड़ा। हाय मैडम जी, पान तो यहीं पड़े हैं, जब उस्ताद जी कहेंगे तो पेश कर दूंगा। हुन उस्ताद जी दा हुक्म चलेगा। खाना हो जाए तो खा लेना बेबी। मेरा नशा टूट रहा है उस्ताद जी, मैंने पान चाहिए ने। तुसी रिहर्सल करानी कि नहीं? क्या बात है बेबी, शौकत साहब से फिर झगड़ा हो गया? तो मामूल की बात है,
फिरोज साहब बड़ा चक्के और हासिद इंसान है, मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए उसने, खुद एक नंबर का ठरकी है। क्या नाम है उस एक्स्ट्रा लड़की का? हाय मैडम जी, निगत। हाँ निगत, जब मैं दोनों फड़ लिया ना, मैं और दुर्गत करने की याद करेंगे। मैं तो बेचारे उस मंटो के बारे में सोच रही हूँ, उसकी संग दिल बेबी ने उसे पागल खाने में दाखिल करा दिया। मंटो के साथ जाती हुई है, मंटो में बहुत सी कमजोरियां लेकिन दिमाग का बड़ा तेज है, पागल नहीं हो सकता। बद दिमाग है, मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बददिमाग लोगों को अगर पागल खाने में डालने लग गए तो आधी इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। क्यों, बाकी की आधी इंडस्ट्री तहजीब वाली है? पास लोग कंट्रोल कर लेते हैं ना, मौका महल देख। हाँ यही तो एक बात है मंटो में, जो है जैसा है सबके सामने है। मैंने तो कहा था शौकत से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवा लो, उसकी बददिमागी शायद थोड़ी कम हो जाए। भाई उसकी पहली फिल्म ऐसी फ्लॉप हुई है, कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। कि मैंने तो सुना है बम्बई में उसकी मिर्जा गालिब बहुत हिट हुई है। भाई बम्बई बम्बई है, लाहौर लाहौर है। क्या जरूरत थी उसे बम्बई से यहाँ आने की? भाई इस पार्टीशन ने तो बड़े बड़ों को आसमान से उठा के जमीन पे पटक दिया। हाँ और बहुत सो को पाताल से उठाकर आसमान पर ला के खड़ा कर दिया। कैसी तबीयत है आपकी? देख नहीं रही। डॉक्टर कह रहे थे बहुत बेहतरी है। हम जान दवा वगैरह तो ले रहे हैं ना बाकायदगी से। बच्चियाँ कैसी? अच्छी है, बहुत याद करती हैं आपको। मैं भी बहुत याद करता हूँ बच्चों। साथ साथ आपको पता है ये फैसला हमने कितनी मजबूरी में किया, आपकी बेहतरी के लिए। मैं नहीं संभाल सकती थी आपको भी बच्चों को भी। एक दिन इस फैसले के लिए आप हमारे शुक्रगुजार होंगे। मेरे वो दिन जल्द ही आएगा। मैंने किया है क्यों मुझसे खफा है तू। मंटू साहब की गाड़ी एक बार फिर चेक कर लीजिए सर, फिर कहीं को मसाना खड़ा हो जाए। अब उनकी हर कहानी पर तो मुकदमा बनने से रहा, और ये तो फसादात के बारे में एक कहानी है, दिल पकड़ने वाली। ठंडा गोश्त भी तो फसादात के बारे में थी सर। वो कोई और मौजू था, एक वैशी जट की कहानी थी वो। मगर शिकार बनने वाले किस मजहब से हैं और शिकार होने वाले किस मजहब से हैं, ये भी तो देखते हैं प्रेस ब्रांच वाले। तू मुझे चौधरी मोहम्मद हुसैन का कोई कारिंदा लगता है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद मंटो को मुकदमात में घसीटना और उसे रुसवा करना है। वो तो अजीब बस्ती है सर, सुना है ऐसे ऐसे मतलब निकालते हैं शायरी और अफसानों से कि लोग दंग रह जाते हैं। खैर इन दोनों तो वो बीमार हैं, चलो जाओ काम करो। खुदा बख्श, मुझे फख्र है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इन नासिर को बेनकाब करने में गुजारी है। बिल्कुल जी चौधरी साहब जी, वही नासूरों में से एक नासूर है ना जी, वो सादत हसन मंटो, इन दिनों जी पागल खाने के खाक छान रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब जी आपने बड़ा ही कोई नेक काम किया जी, अल्लाह आपको उसका अजर देगा जी। खुदा बख्श, ये महज काम नहीं, जहाद है जहाद खुदा बख्श। अदब और आज़ादी इजहार के नाम पर गंदगी फैलाने वालों के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होना होगा। बोलो खड़े होगे ना? चौधरी साहब इंशाल्लाह जी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें जी, ये मंटो जैसे कम्युनिस्टों को, अफाश नवीसों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को, इन सब का जी हम सफाया करके रहेंगे जी। ख़त्म हो गई बात इधर, बस जी दवाई का टाइम हो गया। भैया पुत्र बैठ जा, आजा आजा। अच्छा मामा जी बच्चियाँ सुन रही हैं। तुम क्या समझती हो, बच्चियाँ नहीं जानती कि उनका बाप उनके लिए किताबें और खिलौने लाने के बजाय
शराब की बोतलें घर में लेकर आता है, फोन की उल्टियां करता है। अरे आप आ गई आपा? हाँ आ गई। साथ भाई कैसे हैं आप? बेहतर है। वाह मेरे मौला, दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याही हैं, लेकिन एक का नसीब कैसा और दूसरी को कैसा। क्यों याद कर कर के रोता है उसे, भूल इस सब बेवफा वफाशार बीवियां नहीं हो। अगर इस दुनिया में वफा नाम की कोई शैब आप तो उसे वीरानों में खराबों में तलाश कर, मैं खानों और कोठों पे मिलेगी तुझे। तुम यहां बैठे हो, मैं सारे अस्पताल में तुम्हें देख के आया हूं। देखिए मसूर साहब, जो काम मैं यहाँ कर रहा था वो महज मेरी नौकरी नहीं थी, वो मेरा मिशन था और है। हम जानते हैं कि आपका मिशन हमारे मिशन को नाकाम बनाना है। किस्मत और मंटो के फर्श तहरीरें पूरे मुल्क में फैलाना, इस्मत फरोशी और जिंसी तहरीरों की तशहीर करना, तो यही है आपका मिशन। वो गंदगी से नहीं, गंदगी में धंसे इंसानों से हमदर्दी जताते हैं। सुनाया अपने शुमारे के खास नंबर में जो अभी निकलने वाला है, अगर आपने वो तरीरें उस शुमारे से नहीं निकाली तो फिर आप एक नए मुकदमे के लिए अपने आप को तैयार कर लें। चौधरी साहब, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दें। हाँ जी, ते फिर इस स्वर की लिखी है मंटू ने है। हाय मैडम जी, बहुत खुलम खुला लिखा मंटू साहब ने ताड़ी ले। लिख दे ने, नूरे जहां उन दिनों फिल्म में लोगों के लिए एक फितना थी, कयामत थी, लेकिन मुझे उसकी शक्लो सूरत में ऐसी कोई चीज नजर ना आई, एक फकत आवाज ही उसकी कयामत खेज थी। इतनी साफ शफाफ आवाज, मुर्खियां इतनी वाजिया, खरज इतना हमबार, पंचम इतना नुकीला। मैंने सोचा अगर ये लड़की चाहे तो घंटों एक ही सुर पर खड़ी रह सकती है, उसी तरह जिस तरह कोई बाजीगर बगैर किसी लग्जिश के रस्से पर खड़ा रहता है। वाह भाई, सुर शनास तो है ये शख्स मगर हुसन शनास नहीं। बड़ा कमबख्त है ये मंटो, किसी चीज का लिहाज नहीं रखता, सब साफ साफ कह देता है। हाय मैडम जी,
आगे और भी बकवास की है। खबरदार मंटो के लिखे को बकवास का। बकवास ही सही लेकिन प्यार है, सच्चाई है, नहीं? मैडम जी ये फूल आए। खुद चल के आए या कोई लेकर आया है? वही तो नहीं है? वही जो रोज फूल लेकर आते हैं मैडम जी। हाँ जेड़ा रोज शाम रोज बाहर खलोता होता है। जी जी वही वही। बैठा बाहर खड़े है मैडम जी। खड़ा रहा यहाँ क्या चमकटा लगा रखा है तुम लोगों ने? चलो उठो उठो। मंटो जी आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है, चलें आप भी हैं, आए। आपकी बात और है। आपको ये बेबस और मजबूर लोग खतरनाक लगते हैं डॉक्टर साहब। ये आपके अफसानों के किरदार नहीं, जीते जागते इंसान हैं। इसीलिए आप इन जीते जागते इंसानों को सुलाने की कोशिश करते रहते। क्या मतलब? मतलब ये जो नींद के इंजेक्शन भर भर के लगाते हैं, आपका क्या ख्याल है ये उनके रोग का इलाज है? किधर जा रहा है तू? इधर आ तुझे ठीक। हम सब मरीज हैं, मुजरिम नहीं। मुजरिमों वाला सलूक किया जाता है हमारे साथ। ये 1912 के लूनेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अपने पे किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ हम सबको एहतजाज करना होगा। मंटो साहब जिंदाबाद। मंटो साहब जिंदाबाद। सर सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। तो फिर इनको उकसाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, मंटो। बिल्कुल सर, और उसको हम उस तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते जिस तरह हम बाकियों को ट्रीट करते हैं। उसके हल्का अहबाब में काफी बाअसर लोग हैं, वकीलों पर भी उसका काफी असर है। मैं इसी बात पर डर रहा हूँ, हमारे बारे में कहानियां ना लिखनी शुरू कर। सर माय हम्बल सजेशन टू यू इज लेट्स रिलीज हिम। रिलीज? सर मैं डिस्चार्ज के लिए लेटर बना देता हूँ, उसकी बीवी से कहिए कि वो तंदुरुस्त है और अब घर जा सकता है। ओके। एमएस साहब यहाँ मेरे दोस्तों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर मेरे दोस्तों के साथ कोई बुरा सलूक किया गया तो मैं अपने कलम और अपनी जबान दोनों से उनका दिफा करूँ, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे कलम और मेरी जबान में कितनी काट। शुक्रिया डॉक्टर उस्मान। आज तो आने का पता नहीं, इसलिए अब हम कल चलेंगे और बहुत सी शॉपिंग करेंगे। ठीक है जी, चलो जाओ अपने कमरे में और बाप आराम करो। अच्छू लेकर जाओ। तुमने तो वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। मंटो क्या कर रहे हैं साथ साहब? कुछ नहीं। वो कहां से मिली? मैंने एक कमरा खुद इस फजूल चीज से पाक किया है, खुद। कहां से मिली आपको? डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया है ना आपको। सफिया यहाँ मेरी बात सुनो। दे मुझे सफिया। मामा जी ये क्या हो रहा है? इसके आती फिर झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा आहिस्ता तो बोले मामा जी। आहिस्ता तो तुम्हें बोलना चाहिए था, सारी आवाजें कमरे से बाहर आ रही हैं। फिर ढूंढ रही ना इसने बोतल। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सारी जगहों को अच्छी तरह चेक करो जहाँ ये वो मनहूस चीज छुपा के रखता है। अच्छा मामा बाद में बात। ये काफ होता है दो नुक्तों वाला जो कैंची में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और एक काफ होता है डंडी वाला, कुत्ते वाला। हाँ हाँ वही। अच्छा मास्टर जी ये शौकत में कौन सा वाला काफ आता है, कैंची वाला या कुत्ते वाला? कुत्ते वाला। नूर यहाँ। अगर पढ़ने का इतना ही शौक है तो संजीदगी से पढ़ा करो। आपका नाम लिखना सीख रहे थे, अब इसमें क्या बुराई है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अचानक तुम पे लिखने पढ़ने का जुनून क्यों सवार हुआ। आपको कोई एतराज है क्या? जाओ जाके मेरे लिए खाना लगाओ। नहीं ला सकती, मेरी उर्दू की क्लास चल रही है।
बड़ी खुशी की बात है और बड़े दिनों बाद तशरीफ लाया मंटू साहब। जी चौधरी साहब, कल ही पागलखाने से आया हूँ, आपकी दुआओं से छूटा हूँ कल ही। चले, एक राइटर के लिए तजुर्बा अच्छा होता है। वैसे आपको तो बड़े दिलचस्प किरदार मिले होंगे वहाँ। जी बहुत दिलचस्प। पागलखाने से छूटते ही मैंने आपके लिए एक कहानी दाग दी है। मुकदमा तो नहीं बनेगा? जी नहीं चौधरी साहब, बहुत बेजरर कहानी है। मंटो साहब, ये क्या चौधरी साहब, सिर्फ 10 रुपए? अनवर मियां, आजकल हालात अच्छे नहीं है। सुना है ये साथ वाला प्लॉट भी आपने खरीद लिया है, मुबारक हो। वो भाई साहब ने लिया है, वो अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं। जी ये भी पता चला है मुझे कि बड़े चौधरी साहब ने मेरी किताबों के चोरी एडिशन छाप छाप कर बहुत माल बनाया। चलो अनवर चलते हैं, चौधरी साहब को माल से माल बनाना है। खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातिम समुंदर देखा, पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान अकलौती बेटी का कोई पता न मिला। सकीना की मां मर चुकी थी, लेकिन सकीना, क्या वो उसे स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या जब वो बेहोश हुआ था तो बलवाई उसे उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई ना था। सकीना का दुपट्टा, उसने रुकना चाहा था लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन सिराज दुपट्टा उठा लाया था। लू आ भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ, सकीना नाम है उसका। एक रोज वो नौजवान अपनी इसी खिदमत के लिए जा रहे थे कि उन्हें एक लड़की दिखाई दी। तुम्हारा नाम सकीना तो नहीं है? सिराजुद्दीन की बेटी हो, आओ हमारे साथ आओ, तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवाते हैं। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली और फिर एक दिन उसने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को दोबारा देखा। वो भागा भागा उनके पास गया और उनसे पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? उन्होंने कहा, पता चल जाएगा बुजुर्गो। कई रोज बाद लोगों को रेलवे लाइन के पास एक लड़की मिली, वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बच्ची जिंदा है। अफसाना अच्छा हो सकता था अगर इसमें मुसलमान रजाकार नौजवानों का मजाक ना उड़ाया जाता। इसमें अफसाने वाली तो कोई बात नहीं। आपके लिए एक बहुत बिरादराना और मुखलिसाना मशवरा है कि अपना तखल्लुस खोल दो रख लीजिए। जी अनवर शबनम, दिल खोल दो। क्या? इजलास के कवायद के मुताबिक साहिब अफसाना को बहस के दौरान यूं मुदाखलत करने की हरगिज इजाजत नहीं है। हर जगह जबान बंदी। आप सब ने खुद को बहुत सी जंजीरों में जकड़ रखा है, कवायद, जवाबत और रिवायात के नाम पर। मैं नहीं मानता, इन जंजीरों को तोड़ना चाहता हूं और तोड़ के रहूंगा। मंटू पर पाबंदी लगानी ही पड़ेगी। एक्शन। मंटो ने जो मजमून लिखा है पढ़ा? कौन सा? नूरे जहां सरूरे जहां। हाँ। मैं वैसी नहीं हूँ। कैसी? वैसी जैसे मंटो ने लिखा मेरे बारे में।
शौकत साहब क्या कहते हैं? चल चढ़ शौकत साहब। दिस मैं कैसी लगती हूँ? मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री में तुमसे ज्यादा सुरीली और हेलो मैडम जी, की तूफान आ गया है। गोलमो वाली एक्स्ट्रा कितने गई है? साहब जी के साथ गाड़ी में गुजरी अभी। साथ साथ आप अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल आई। दुनिया को सुधारने के बजाय आप अपनी जिम्मेदारियों की तरफ नजर करें। बच्चियों के स्कूलों की फीसें जानी है, आखिरी तारीख निकल गई है, मुझी का यूनिफॉर्म आना है अभी, नुच्ची की सालगिरह है परसों। शाहब साहब का पैगाम आया था, कल मिलने के लिए कहा है। उसको क्या काम है मुझसे? कोई जरूरी काम होगा शायद आपकी दरखास्त के सिलसिले में। मिल लूंगा। वालेकुम। आए साथ साहब, आपने कल से कुछ नहीं खाया, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। देखो अब उनसे भी लड़ झगड़ के मत आ जाना, जरूरत हमारी है उनकी नहीं। कहानियां बेच बेच कर खानदान की किफालत नहीं होती, समझे? साथ साथ लाइसेंस। मैंने प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस की दरखास्त दी थी शहाब। देखो मंटो, प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सियासी क्लियरेंस। समझ रहे हो ना मेरी बात? बैटरी भाई, इस लाइसेंस के लिए आजकल नवाबों और वजीरों की सिफारिशात आ रही है भाई, बहुत मुनाफा बख्श बिजनेस है ये आजकल। आसान काम है, अपने पार्टनर से बात कर लेना और तुम्हें घर बैठे एक अच्छी खासी आमदनी मिलती रहेगी। मुंशी जी, ओ मुंशी जी, और क्या लिखा है लेटर में? लेटर में सर जो है ना, इसकी मोर बिल्कुल सही है और आपके ये तीसरे पार्टनर है। जनाब सादर साहब, आप थोड़ा जाके फैक्ट्री चेक कर लें और मुंशी साहब आपको खाता दिखा देते हैं। फैक्ट्री मुझे चेक करके क्या करना है? बाकी हिसाब किताब की भी मुझे ज्यादा समझ बूझ नहीं है, तो मेरा हिस्सा बनता है बस वो मुझे दे दें। क्यों मुंशी जी, कितना हिसाब बना है आज का? कुल टोटल तो बनते 32 रुपए, बारह इनके हिस्से में 10 रुपए आते हैं। दे दो सादा साहब के 10। ये तो हो गया आज का हिसाब। सादा साहब आइंदा आपको यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा और अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। भाई ये रहा नुच्ची की सालगिरह का तोहफा और ये रही जी नुच्ची की यूनिफॉर्म, बड़ी प्यारी सी गुड़िया निक्की के लिए। ये रहा मिसेस सत्या सागर, शहाब ने आइस फैक्ट्री में शेयर दिलवाया। आइस फैक्ट्री में? लेकिन आपने तो प्रिंटिंग प्रेस की दरखास्त की थी, लेकिन शहाब को लगता है कि मुझे बर्फ का धंधा करना। आज के 10 रुपए मेरे शेयर के। ये बाकी सब चीजों के पैसे कहाँ से? वही खूने जिगर बेच के, कहानियां लिख लिख के। सिर्फ 8.5 रुपए बस। कल तो जो हिसाब, कल छड्डो जी, और रात गई बात गई, वो कारोबार में रोज नया दिन होता है। और अगर आपको हम पे वसा नहीं है तो आप फैक्ट्री में रोज आके बैठे और रोज खाता चेक करें जी। लाड़ियां हो रही हैं खुदा बख्शे दे नाल। चलो अपने अपने काम करो। ओए नाज़ो, मैं तेरे नाल गल नहीं कर रही। एक काम किया सी, ओ भी नहीं कीता। किड़ा काम? वो राइटर नहीं है जिसने वो मिर्जा गालिब फिल्म लिखी थी, उससे मिलवाने का कहा था। बड़ा बदनाम है जमाना है नासो, उस पे फांसी के बहुत से केस चल चुके हैं और कुछ चलने वाले हैं। तो हम कौन से इतने शरीफ शुरफा हैं? आए दिन तो इधर छापे पड़ते। अब अच्छा ना, अब ले आऊंगा मंटो को। पता है वो सायमा नहीं है, सायमा वो कह रही थी कि वो हम जैसे मजलूम औरतों के लिए बड़ा हमदर्द है। तुम लोग तो जालिम हो, जालिम। मजलूम तो हम है। छोड़ ना मंटो को, चलना ना सो, चल आ जा। जो सुने वाले ने
मंटो, डर गए, तुम्हारी कहानियां तुम्हें ढूंढ रही है, इधर उधर क्या देख रहे हो? अंदर देखो, पहचानो मुझे, लिखो हिंदुस्तान से आ के पाकिस्तान से आ, यही पाकिस्तान में उसे भेज दिया गया हिंदुस्तान। डूबा टेक सिंह ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, फिर किथे आ? अभी उसका फैसला ही नहीं हुआ। क्यों नहीं आया फैसला? अभी और बहुत से फैसले होने, कर देंगे टोबे का फैसला भी। सुनो भाई, सैनी मरीजों की तकसीम का फैसला हो गया है, तुम में से जो सिख और हिंदू हैं, उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा और जो मुसलमान हैं, वो यहीं पाकिस्तान में रहेंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? सब लोग तैयारी करें जाके। तकसीम? तबादले का दिन करीब आ गया। पागलों में कन्फ्यूजन बढ़ने लगा, कोई हिंदुस्तान भेजे जाने पर खुश था, कोई अपने दोस्तों से दूर होने पर अफसोस। पूछो क्या सवाल है? टोबा टेक सिंह किथे आ? ओए, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, उसने उड़ के कहीं और चले जाना था। मैं फिर टोबा टेक सिंह दे विच ही रहा, मैं पाकिस्तान ची रहा। तुम सिख हो, हिंदुस्तान वापस जाओगे, पाकिस्तान में नहीं रह सकते। कोई नहीं, मैं टोबे दे विच रहा। जमील, अंदर हिंदू या कोई सिख तो नहीं रह गए पागलखाने में? नहीं नहीं, मुसलमान दादा जी रह गए। चल ठीक है, तोबा हिंदुस्तान चला गया ना। हाँ हाँ, तोबे को हिंदुस्तान भिजवा दिया है मेरे बाप। चल बैठ लारी में, चल चल बैठ, चल बैठा इसको, चल बैठ, चल नल में जान दे। चलो भाई लारी छोड़, तोबे जाओ। मैं किधर भी नहीं जा रहा, मैं तो बेटे सिंह से भी जी रहना। कोई कुछ देखो, ये तुम्हारा फैसला नहीं है, गवर्नमेंटों का फैसला है। चलो मुझे लगा, चलो बाबा जी मैं किधर, हटो यहाँ से, होटल में नहीं खड़े हो सकते, चलो इधर आओ मेरे साथ। फिर अचानक टोबा टेक सिंह के मुंह से एक जोरदार और दर्दनाक चीख निकली और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। खारदार तारों के उस तरफ हिंदुस्तान था, खारदार तारों के इस तरफ पाकिस्तान था, जिसका कोई नाम नहीं था, वहां टोबा टेक सिंह। तो फिर आप हजरात की सिलसिले में क्या राय है? करारदाद ना मंजूर। कसरत राय से फैसला किया जाता है कि मंटो जैसे रजत पसंद अदीबों का बाइकाट जारी रहेगा। हजरात, अभी अभी पता चला है कि पुलिस मेम्बरान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें ये इजलास ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोग एक एक करके पिछले दरवाजे से बाहर चलें और मजीद हिदायत का इंतजार करें। तो आपको पागल खाने वालों ने भेजा, अब क्यों बुलाया? मामला सीरियस है मंटू साहब। तो बताएं किस लिए आए हैं आप? तुम कौन हो? हामिद जलाल इनका भांजा। यहाँ क्या कर रहे हो? यहीं रहता हूँ ऊपर वाले हिस्से में। करते क्या हो? क्लास वन गजेटेड ऑफिसर हूँ, आप बताएंगे तशरीफ आवरी का मकसद? आप जानते हैं एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है, कम्युनिस्ट की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जी हमें इल्म है, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई है। तो ये कि आपको हमारे साथ चलना होगा। आप क्या इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं? वारंट है आपके पास? आप वकील हैं या अफसर आमिर साहब? ऑफिसर साहब, मेरी गिरफ्तारी की वजह मेरा कम्युनिस्ट होना है या कम्युनिस्ट के खिलाफ होना? हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, आपको सिर्फ हमारे साथ चलना होगा। साथ आओ मामा जान। नहीं, हाँ अगर मैं वापस ना आया तो वो
شیخ خورشید صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو بتا دینا. ارے واہ منٹو صاحب، کیا ٹھاٹ ہیں آپ کے، سرکار خود چھوڑ کر گئی ہے آپ کو. واہ. سگریٹ پلاؤ انور. سنا ہے فوج کے بہت سے افسر گرفتار ہو چکے ہیں جو جنرل اکبر کے ساتھی تھے، اور قاسمی صاحب بھی گرفتار ہو گئے. برا ہوا. لیکن انور میں بتا رہا ہوں، یہ حکومت کی چال ہے، ایک سیاسی چال، سازش نہیں ہے. کیا مطلب؟ وزیراعظم نے خود ریڈیو پر آ کے اعلان کیا تھا، ایک طرف وہ کمیونسٹ روس کے دورے پر جا رہے ہیں اور دوسری طرف کمیونسٹوں کو دھڑا دھڑ گرفتار کیا جا رہا ہے. روس نہیں جا رہے، وہ امریکہ جائیں گے. امریکہ؟ انکل سام نے ہڈی ڈال دی. یہ سب کچھ انکل سام کو خوش کرنے کے لیے تو کیا جا رہا ہے. تم خود بتاؤ، یہ گلوں میں رنگ بھرنے والا فیض، یہ ریت سے بت بنانے والا احمد ندیم قاسمی، یہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے والا سجاد ظہیر، یہ کوئی سازش کر سکتے ہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ ہجو لکھ سکتے ہیں، یا میرے اور حسن عسکری کے خلاف مقدمے، کوئی بائیکاٹ؟ اماں جان، اب کب آئے؟ بتا تو دیتے کم از کم آپ آ گئے. ہاں بس ابھی پہنچا ہوں حامد. تم دفتر نہیں گئے ابھی تک؟ جان میں دفتر جاتا، آپ کو صبح سی اے ڈی والے پکڑ کر لے گئے، مامی جان کا اندر رو رو کے برا حال ہوا ہے. چلیے آئیں آپ اندر. بھائی ایک سی آئی ڈی تو ہمارے گھر میں ہی چلتی رہتی ہے. چلو. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے میاں صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت سے. آئیے ڈاکٹر صاحب. شکریہ. اصل ہم آپ کی کلینک آنا نہیں چاہ رہے تھے، ہم آ کے اسکینڈل بن جاتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ سر. ہم ہارٹ پیشنٹ ہیں اور دمے کے بھی مریض ہیں. ڈاکٹر پیرزادہ ہمارے ذاتی معالج ہیں، ہم اپنے آپ کو اب بھی فٹ محسوس کرتے ہیں، جسمانی اور جذباتی طور پہ دونوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا ہماری بات؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں سر. آپ ایک قابل اور تجربہ کار معالج ہیں، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، مگر جیتے جی اپنے آپ کو مارنا بھی نہیں چاہتے. میاں صاحب دوا میں ڈاکٹر پیرزادہ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی دوا تجویز کر سکتا ہوں. ضرور کیجیے، مگر رازداری کے ساتھ، ہمارا خاندان پبلک لائف میں ہے، اس کا خیال رکھیں. جی میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے اجازت. ہمیں آپ کی دوا کا انتظار رہے گا. جی بالکل ضرور. ایک بات، بیگم صاحبہ کا بھی مسئلہ ہے. ہارٹ کا؟ اندر والے دل کا، وہ بھی آپ سے مشورہ چاہیں گے اگلی ملاقات میں. ٹھیک ہے میاں صاحب، میں اگلی بار جب حاضر ہوں گا تو ان سے بھی ملاقات کر لوں گا. جی بالکل. چارے فیض نو بھی گرفتار کر لے، کی بگاڑے ایسے کسے دیں گے. بہت خوبصورت شہر ہے. نہ خیر خوبصورت تو نہیں ہے گا، شاعری بہت اچھی ہے اس کی. سعید با دھیمے مزاج کا ہے، مجھ سے تو اتنا شرماتا ہے جیسے اس کی عزت خطرے میں ہو. فیروز نظر کتنے آج کل؟ اس کا کیمپ لگا ہوا ہے نا، نومبر میں ایم سی سی کی ٹیم آ رہی ہے. میرا مطلب ہے تو نہیں کہ بندہ ملن تم ہی جائے. اسے چھوڑ دو بیبی، اس کا کریئر ہے بھی آگے، ابھی ٹیسٹ میچ شروع ہونے والے ہیں اس کے. میڈم شو ریڈی ہیں، بلا رہے ہیں. آنی ہے، چل. تو حساب کتاب کا پھر؟ حساب کتاب تو اکبر کے پاس ہی ہوتا ہے. مگر حساب کتاب تو منشی کے پاس ہوتا ہے. اسے تو نکال دیا، بہت ہیرا پھیری کرتا تھا. تو اب حساب کتاب کون کرے گا؟ کوئی اچھا سا منشی ڈھونڈ لیں گے، اور کیا ہوگا. اور جب تک منشی نہیں ملتا تب تک کیا ہوگا؟ اکبر مر گیا ہے کیا، کل آ جائے گا وہ. لیکن اکبر تو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کیسے حساب رکھے گا؟ بہت پڑھا لکھا ہے وہ، سب جانتا ہے. سادہ صاحب تم تو بڑے پڑھے لکھے لگتے ہو، تم آ کر سنبھال لیا کرو نا سارا حساب کتاب، تمہاری تسلی بھی ہو جائے گی، ہمارا کام بھی چل جائے گا. کیا مطلب ہے آپ کا، میں منشی لگ جاؤں، ادھر برف کا حساب کتاب رکھا کروں آ کر؟ کیوں، حرجی کیا ہے اس میں، اتنا برا کام ہے یہ، اتنا برا دھندا لگتا ہے نا، تو اس دھندے میں آئے کیوں تھے؟ فضول کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں، آج کا حساب کتاب کرو میرے ساتھ. بکری نہیں ہوئی آج، ویسے بھی میں آج اسپتال گیا تھا اکبر کے ساتھ، تم ایسا کرو کل آنا. کل کا کیا مطلب ہے، میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ میں روز یہاں پہ آیا کروں حساب کتاب کرنے کے لیے؟ میں بہت دور سے آتا ہوں. تو ہمارے پاس فالتو وقت ہے کیا،
दादा साहब अपने हिस्से की रकम चाहिए ना तो अपने हिस्से की बर्फ आकर खुद बेचा कर बस। मसूद कागज दे। कोरे कागज जी ये लीजिए। लगता है बहुत जल्दी में कहानी बाहर आने के लिए बेताब है। अब्बू कोचवान बड़ा चहल छबीला था। साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बना रहने का उसे बेहद शौक था। नेती एक दिन अब्बू को तांगे पर ही मिली थी। चंद रोज बाद इन दोनों का निकाह हो गया और फिर ऐन जवानी में अब्बू मर गया। नेती का सब कुछ मर गया मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। दीना अब्बू के साथ काम करता था। इद्दत के दिन पूरे होते ही उसने नेती से कहा, भाभी तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? नेती ने कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी और अब तुम तकलीफ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। वो जिस किसी को भी तांगा हवाले करती, कोई उसे शादी की दरखास्त देता, कोई उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता और कोई उसके पैसे मार लेता। एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं क्यों ना तांगा खुद ही जोतूं। फिर सोचा लोग क्या कहेंगे। उसके दिमाग ने कई दलीलें दी कि क्या हर्ज है, औरतें हर तरह के काम करती हैं, पेट किसी हीले से पालना ही है। और कुछ दिन सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो तांगा खुद चलाएगी। शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर और खूब आमदन होने लगी। और फिर एक दिन कमेटी वालों ने उसका लाइसेंस पढ़ाए थे। पर मेरा लाइसेंस क्यों जब्त कीता है? मैं टांगा क्यों नहीं चला सकती? और जदों कहता है नहीं चला सकती तो नहीं चला सकती, तेरा लाइसेंस जब्त है। मेरे हाल ते रहम करो जी, मेनू दसो मैं फिर किवें करा गुजारा। ओ तू सोनी है बाजार च जाके बह जा, ओते ज्यादा आमदनी होनी तेरी, दूजे धंधे दा लाइसेंस बनवा ले। अब्बू तेरी नेती अज कमेटी दे दफ्तर च मर गई। दूसरे दिन उसने अर्जी दी और उसे लाइसेंस मिल गया। बहुत खूब। ये लीजिए। शुक्रिया। आप आइस फैक्ट्री गए थे? हाँ, अहमक कथों को आखिरी बार अलविदा कहते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि अंग्रेजी का लेटर सीधी तरह कैसे पकड़ा जाता है। और उसके बाद जो आपके दफ्तर भी गया मुंह पे मार के आया उसके मैं वो लाइसेंस। लाइसेंस वापस कर दिया? शहाब से लड़ाई भी कर ली आपने? साथ साहब आप किसी से तो बना के रखिए। मैं बर्फ बेचने वाला आदमी हूं, मैं आग बेचता हूं सफिया, आग। एक अलाव चल रहा है मेरे अंदर, मैं उसकी चिंगारियां दूसरों की राख में नहीं झोंक सकता। आग लगानी चाहिए थी मुझे उस बर्फ खाने को। बैठिए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। मंटो साहब, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं आपकी फिल्म मिर्जा गालिब के गाने कितने शौक से गाती हूँ। बहुत बाजौक लगती हो, लेकिन मेरा उन गानों से क्या लेना था? मैंने तो सिर्फ वो फिल्म लिखी थी, वो गजलें तो मिर्जा गालिब ने लिखी। ठीक, जानती हूँ, लेकिन अब मिर्जा गालिब तो यहाँ आने से रहे तो उनकी जगह मिर्जा गालिब फिल्म का राइटर ही हमारे यहाँ आ जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सह नसीब। लेकिन तुम लोगों ने मेरा इस्तकबाल ऐसे क्यों किया जैसे मैं कोई बुजुर्ग हस्ती हूँ? हमारे लिए तो आप बहुत बड़ी हस्ती हैं,
हमारे मोहसिन हैं। मोहसिन? कैसे? आपने अपनी कहानियों में हम जैसी औरतों के बारे में इतनी हमदर्दी से लिखा है कि किसी और ने नहीं लिखा। आपकी कहानियां पढ़कर हमारे तो आंसू बह जाते हैं, लेकिन जख्मों पर हाहा भी रखा जाता है। तुम्हें तो खुद कहानियां लिखनी चाहिए। किस कदर खूबसूरत इजहार है। कैसा इजहार? हम तो सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इस महफिल को खत्म करो, बाहर दूसरे गाहक के सबरे और हैं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए खुदा बख्श। अरे नहीं नहीं मंटो साहब, आप कैसे जा सकते हैं? अभी तो मैं मिर्जा गालिब ही की कोई गजल आपकी नजर करना चाहती हूँ। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बिटिया आपकी इसरार कर रही है, वरना अब खान साहब छेड़िए ना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना बहुत मुश्किल है। वो कैसे भाई? वो किसी एक धड़े से जुड़ता ही नहीं है। कम्युनिस्टों के वो खिलाफ है, मौलवियों का वो मजाक उड़ाता है, और अब उसने अमेरिका की भी मिट्टी पलीद करना शुरू कर दिया। ये तो उसकी सरिश्त है। दिल्ली से लेके बंबई तक उसने हमेशा सच ही लिखा है। और दुश्मन भी बनाए। ठीक है, मैं मानता हूं वो सच बोलता है, मगर मुंह फट है भाई। इसीलिए तो उसे बंबई से निकलना पड़ा, और अब उसके लिए लाहौर तंग पड़ रहा है। तो सच्चा होना जुर्म हो गया। बंबई में उसके ऊपर पाकिस्तान दोस्ती का इल्जाम था, और यहां उसकी हुब्बुल वतनी मुशकूक करार दी जा रही है। खास में सच बोलने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ हदूद होती है। एक नई मुमलिकत को मुस्तहकम करने के लिए, उसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए, उसकी नजरियाती असास को पुख्ता करने की जरूरत है। इसलिए मंटो जैसे राष्ट्र दानिशवरों को अपने कलम को लगाम देने की जरूरत है। ओए पुत्र, आराम से। लो जी खुदाबख्श, केस तैयार है। कौन सा केस चौधरी साहब? है कौन सा केस? अरे मंटो का केस अगला, उसकी गंदी रहनीत का मुंह बोलता सबूत। वाह जी वाह चौधरी साहब, आपने तो पूरा केस ही तैयार कर लिया जी। ये ओपन एंड शट केस है। चौधरी साहब जी, मैं चलता हूँ जी, अब है जी, मैं ये ले जाऊँ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब आपने, आप मंटो साहब को भी साथ ले आए। अरे मियाँ साहब, आपकी फरमाइश थी, भला कैसे नहीं लाते हम। मंटो साहब, बहुत सुना है हमने आपके बारे में। सब 100% ठीक है। वो मंटो साहब, आपसे एक मशवरा लेना था हमें। मुझसे मशवरा मियाँ साहब? आप गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात में। वो एक आरज़ा है ना शी साहब, केस बनता है। हाँ, मगर खींचना पड़ेगा थोड़ा।
और वो तो आप बहुत पहले से खींचते चले आ रहे हैं। और तब चौधरी साहब खुद सरगर्म थे और फिर लोग उनका एहतराम करते थे। बशीर साहब अभी भी डोर जो है चौधरी साहब के हाथ में वो खींचते ही चले जाते हैं। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ कि FIR दर्ज करा देता हूँ। मगर ये अदालतें आजकल बहुत मोहतात हो गई हैं इस तरह के केसों में। ये दानिश्वर और अखबार वाले राय का पहाड़ जो बना देते हैं। कह तो ठीक रहे जी आप। ठीक है सेक्रेटरी साहब से मशवरा कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। तो ऐसा करता हूँ कि तब तक ये फाइल मैं अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है जी। अब पता नहीं है मंटू साहब बिना ऐसे मौजूद पे क्यों लिखते। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। ठीक है जी। मुबारक हो तुम्हारा ऑडिशन कामयाब हो गया। मुझे तुम में टैलेंट दिख रहा है। बेपनाह टैलेंट। सच सर? सर क्यों कह रही हो मुझे शौकत का? मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें हक देता हूँ तुम जो चाहो मुझे कह सकती। तुम मुस्तकबिल की स्टार हो। ये लो तुम्हारे स्टार होने के नाम। टकराई मेरी साइकिल से। जो साइकिल चलाते हुए औरतों को ना देखा करें मंटो साहब। ऐसा करना ना तो टांगा दे दिया करें। क्यों बेटा? आपको नहीं पता? खैरियत है ना बेटा? आपसे मेहमान मिलने आ रहे हैं। कौन मेहमान? कहाँ चले गए साहब? कब से आपको ढूंढ रहे हैं? खैरियत तो है ना सफिया? क्या हुआ कहीं जाना है? नहीं आपके मेहमान आ रहे। कौन मेहमान आ रहे? भाई ये बताती हूँ। और ये सब क्या हुआ इतना पसीना क्यों आ रहा है? हटो बेटा हटो। कौन है? Mr. Manto, it's a pleasure to see you. I'm from the U.S. Council Lahore. Madam, what an absolute pleasure. So what can I do for you, Consul? Well, you wrote a letter to Uncle Sam. But I never posted it. I did not have the money to purchase the stamp, you see. But you... You got it printed, didn't you? Yes, I did, in Urdu. You have read it? Well, I was very lucky because my colleague here, Mr. Salim, interpreted it for me.
I found it very incisive and very hard-hitting. Your stories on partition are very moving, Mr. Manto, very moving. We'd very much like you to write for us, Mr. Manto. But I write in Urdu only. Oh, we have an Urdu magazine. Ji, Safarat Khane ka semai jarida hai, jisme hum mumtaz kalamkaro ki tehreere shaya karte hain. Okay. To start with, I can write a short story for you. One. Well, that's great, Mr. Manto. How much will you charge? I would charge rupees 200 for one story. You gotta be kidding me. 200 rupees? It's too little. A ridiculously small amount for such a great writer as yourself, Mr. Manto. Well, I mean, I would say something like 500 rupees for a story. No, Mr. Consul. As I have said, I will charge rupees 200 only. Not a rupee more. Only then will I write. Oh, I just... भाई वादा किया था तो पूरा करना ही पड़ेगा. ठीक है भाई, आ जाएगी नूरजा तेरी सालगिरह पे. हैं? अम्मी नहीं खाई तो मैं नूरजा आएगी. काकू को तो मेरा ख्याल है सिर्फ नूरजा के ख्वाब आते हैं. छुट्टी वाले दिन कौन आ गया? निकी जाके देखो दरवाजे पे कौन है. अगली दफा मैं सोच रहा हूँ नजी, अपनी बच्चियों के कमरे में गुलाबी रंग का रंग करूंगा. ठीक है? ठीक है पापा. अबा वो आए. कौन वो? वो अमेरिका वाले. फिर आ गए अमेरिका वाले. अच्छा भाई, चीजों को कोई नहीं छेड़ेगा. अब सीढ़ी के पास नहीं आएगा कोई. करीब नहीं आना. कम इन मिस्टर कौंसिल, कम इन प्लीज. I am sorry about the mess. I was painting the walls. Okay, by yourself? Yes, I do it very well and do it very regularly every season. Okay. Please, all sit. Right. Okay. Well, thank you very much indeed, Mr. Manto. I won't take too much of your time. I'll get straight to the point. That would be a good idea. Well, Mr. Manto, we would very much like you to accept 300 rupees for the story. Please don't insist on 200 rupees. Accepting it as a special case only. Well, thank you very much indeed, Mr. Manto. Now, about the story, what is it exactly that you're going to write for us? Why do you ask me that? Oh, because we happen to be paying for it. Mr. Consul, I have agreed to write the story only. I will not accept any dictation. You will get the story in a few days. And it could be about anything. About anybody. It could be against you. Okay, okay.
Manto is not for sale. No one can tell me what to write and what not to write. Well, okay. Thank you very much indeed. I think it's time for us to leave. Goodbye, Mr. Manto. होशियार नजरे रूबरू शहंशाह आलम लंच के लिए तशरीफ ला रहे हैं। दस्तरखान पर आज माँ बदौलत के लिए क्या क्या चीज हाजिर है? गोश्त पुलाव, माही पुलाव, मटर पुलाव, नारंगी पुलाव, मुतंजन बिरयानी, जर्दा, रोगन जोश, कोरमा, टमाटर गोश्त, भिंडी गोश्त, मटर गोश्त, पाए का शोरबा, कीमा, भेजा, चिकन कटलेस, पोटैटो कटलेस, मटन कटलेस, चिकन चॉप्स, पोटैटो चिप्स और खुदा जहां बना का भला करे अरहर की दाल। अरहर की दाल माँ बदौलत को बिल्कुल पसंद नहीं। ये गुलाम इंसाफ का तालिब है जहां बना। बोलो तुम क्या करते हो? आलम पना के साए तले इस गुलाम ने एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री खोल रखी है। कपड़े की घाट पर तुम खुद धोते हो? नहीं आलमपना, ये जलील काम मैंने दूसरों के सपोर्ट कर रखा है। फरियादी ने 4 महीने हुए महसूस किया कि उसके ये तनख्वाह पाने वाले मुलाजिम उसका साबुन खा रहे हैं। ऐलान कर दिया जाए कि माँ बदौलत ने संगीन मुकदमे का फैसला मुरतब करने के लिए एक कमीशन बिठा दिया है। कमीशन? 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 हाँ, कमीशन। आलम पना जिंदाबाद, आलम पना जिंदाबाद, मंटो जिंदाबाद। मंटो शौकत, कैसे हो मेरे यार? ठीक। किसी ने बताया नहीं अंदर शूटिंग हो रही है, वरना मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा हो जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम कौन सा रोज रोज आते हो? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है तुमसे। मैडम नूर मेकअप रूम में होगी। सुनिए, जरा मंटो साहब के साथ जाइए और इन्हें मैडम तक पहुंचा के आए, वापस आइएगा। मंटो जी, बड़े अरसे बाद आए, कदे साडे याद नहीं आए। याद तो बहुत करता हूँ तुम्हें। हाँ जी, पढ़ा था मैंने आपको, जो याद आती है हमारी शबाब साहब के रिसाले में। कभी कुछ अच्छी यादें भी तो छापा करें। अच्छी यादों को सिर्फ दिल में रहना चाहिए, उनसे लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। क्या वक्त था वो भी, सिर्फ जगह ही नहीं लोग भी बदल गए। अब तो मगर शौकत हुसैन रिजवी तो बिल्कुल नहीं बदला, वही सूटेड बूटेड फ्लर्ट। आज ये मुकाबला चल रहा है आजकल मेरा और उनका। हाँ सुना है तुम तो हिदायतकारी भी करने लगी हो, अब शौकत से मुकाबला करोगी हिदायतकारी का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्लर्ट करने का। तुम्हारे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरे घर में तुम्हारा एक आशिक है, बहुत बड़ा आशिक। और ऐसा आशिक कि अगर उसका बस चले तो तुम्हें यहां से उठा के ले जाए। वो आप तो नहीं हो सकते मंटो जी, फिर कौन है? हाँ मंटो, तो मिल गई तुम्हें मैडम नूरजहां, वरना तो तुम यहाँ कभी चक्कर भी नहीं लगाते। मंटो जी आपका सीक्रेट। बस शौकत, जिंदगी के झमेले और बखेड़े ही इतने हैं। स्टूडियो काफी अच्छा बनाया तुमने और बहुत बड़ा भी है। नई फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, 1.5 महीने में फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैडम को इनके एक आशिक से मिलवाना है। क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है?
तुम तो खासे अपसेट हो गए शौकत। बंबई में तो खासा लिबरल नहीं हुआ करता था नूर। हाँ जी मंटो जी। क्या करूं मंटो, वक्त और हालात काफी कुछ बदल देते हैं। खैर मैं सेट पे जा रहा हूं, यहां पर किसी को अपसेट नहीं करना चाहता। सीधे तरह बताइए ना मंटो जी, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? कौन है वो? मेरी साली और मेरे भांजे का बेटा ताको, उम्र 4 साल। निकलिया जुआ। आशिक है तेरा, अखबारा जो तेरी फोटुआ कट कट के साम के रखता, चुमदे उन्ना नू अदी कल साल गिरा है। कह रहा सी मैडम नूर जहां नू बुलाओ, मैं वादा कर ले। आएंगी? कोशिश करांगे मंटो जी, जे तुहाडे शौकत साहब ने मैनू इजाजत दी। ऐ बाकी कम वाले भी शौकत साहब दी इजाजत लेनी पैंदी है। बड़ी चीज हो मंटो जी तुसी भी ना। चलो आ जाएंगे। चलो आज मंटो ने मेरे अंदर छुपे हुए आंसुओं के सैलाब को आजाद कर दिया। आज मुझे वो लफ्ज मिले जो मेरे दुख को बयान कर सके। मैं आज पहली बार अपने बच्चे के लिए खुलकर रोई हूँ। ये बोझ मेरे सीने पर पत्थर की तरह पड़ा था, आज ये बोझ हल्का हुआ है। क्या हो गया नाजो? पता? किसी ने कुछ कहा है? पता कौन कुत्ते का पिल्ला था, वो हरामखोर इंस्पेक्टर या कमीना ठेकेदार? नाजो जवाब दे नाजो, बेटा बोलती क्यों नहीं है? इस मंटो ने तुझे रुलाया है? अरे है क्या इस घटिया किताब में? मेरा बच्चा। तेरा बच्चा? अम्मा छीन के ले गए वो उसको मुझसे। अम्मा मैं चीखती रही, मैं रोती रही, मैंने लाख मिन्नतें की उनसे, मेरी एक ना सुनी किसी ने। अम्मा मेरा बच्चा। अरे बेटी संभाल अपने आप को, तेरे साथ तो ज्यादती की गई। तुझे अकेला सड़कों पर रुलने के लिए छोड़ दिया गया था नाजो। मैं जिसे उसकी मांग करता है, मेरी गोद उसे पुकारती है। अम्मा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या हो गया नाजो? बस कर, बस कर नाजो, बस कर। डॉक्टर साहब, बेगम साहब आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैं जरा मिल के आता हूँ। जी मियां साहब। जी मंटो साहब, आपकी ठंडा गोश्त पड़ी बहुत लुत्फ आया। लुत्फ आया मियां साहब ठंडा गोश्त पड़ के? नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये था कि आपकी स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टराइजेशन, क्या किरदार तख्लीक किया आपने। कलवंत कौर, खूंखार और हासिद मिजाज। महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद मुहारा। महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कद मुहारा। दिन रात तड़प देने अरमान बेशुमारा।
ہر گھڑی گزارا میں نے بھی اس میں حصہ لیا ادھر ایک سندر لڑکی ہوئی تھی میں اسے اٹھا کے نہر کے پاس جو پٹری ہے اس کی جھاڑیوں کے پیچھے لے گیا پھر کی ہویا پھر میں نے پتہ بھیگا لیکن کی وہ مری ہوئی تھی وہ لاش تھی کروٹ کر ہے وہ لاش تھی ٹھنڈا گوشت یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی حالت میں کرنا کیا چاہیے میاں صاحب ایسی جذباتی حالت میں جب ایسی کیفیت ہو اور انسان کے ذہن پہ یا عام زبان میں کہہ لیجئے اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ ہو کوئی ذہنی دباؤ اس کا تو پھر اثر ہوتا ہے جسم پر کیا بتائیں آپ کو منٹو صاحب بہت پریشانی ہے بیگم تو دھول دھپے پہ آ جاتی ہیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر پھر کوئی تیز دھار کا کوئی آلہ کوئی ہتھیار وغیرہ کمرے میں موجود نہیں ہونا چاہیے احتیاط تو ہم کرتے ہیں مگر وہ جوتے سینڈل اور وہ مکھی مار وغیرہ تو ہوتے ہیں نا آس پاس میاں صاحب اعتراف کرنا چاہیے اظہار کرنا چاہیے منافقت نہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے لیجئے ڈاکٹر صاحب آئے کیا خیال ہے اجازت لیجئے میاں صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا ٹھیک ہے میاں صاحب
बाकी फिर सही। शुक्रिया मंटो साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक करारदाद ज़ेर बहस है, इसकी कार्बन कापियाँ आप में तकसीम कर दी गई हैं। करारदाद में तजवीज़ किया गया है कि गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में बाज़ अदीबों के बॉयकॉट का जो फ़ैसला किया गया था उसे वापस ले लिया जाए, और इसके अलावा हुकूमती इदारों से अदम तआवुन का फ़ैसला भी कलअदम करार दिया जाए। गुज़िश्ता फ़ैसलों के बाद ऐसा क्या हुआ कि अहम करारदादें वापस लेने की नौबत पेश आ गई? ऐसे फैसलों से अंजुमन की साख और तरक्याती कमिटमेंट मशकूक हो सकते। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत की तरफ से अंजुमन पर कोई दबाव डाला जा रहा है हमारे सरकर्दा रहनुमाओं पर साजिश केस चलाकर? देखिए, एक बात मैं यहां पर वाजह करता चला जाऊंगा, अंजुमन या पार्टी किसी भी किस्म के दबाव के तहत अपना किया गया कोई भी फैसला वापस नहीं लेगी। हमने भी बहुत सारी कैदोबंद की तकालीफ बर्दाश्त की हैं, अंग्रेजों के जमाने में भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो ये बात अब बॉयकॉट के फैसले का मनफी असर हुआ है और हमारे मुखालफीन ने इसका खूब फायदा उठाया है। मंटो को मोहम्मद हसन अस्करी जैसे रजत पसंद दानिश्वरों ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। असमत, कुरतुलैन हैदर वगैरह के नाम भी मुतासरीन में शामिल हैं। हम चाहते हैं वो सब जदीद अदीब जो इंसानियत, समाजी इंसाफ, साम्राज्य से आज़ादी पर यकीन रखते हैं उन्हें साथ मिलाएं। तजवीज़ आपकी माकूल है, मैं इसकी हिमायत करता हूं। हमारे वो साथी जो इस करारदाद की हिमायत में हैं वो हाथ खड़ा करते हैं। करारदाद मंजूर की जाती है। या अल्लाह, बात समझ लो, तेरे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। तू बस मुझको बता, एक बार तू बस इशारा कर दे, फिर तू देख खुदा बख्श क्या करता है। खुद को संभाल खुदा बख्श, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये क्यों इतना नाराज है, क्यों नाराज है, और क्या रोग लग गया इसको? अरे इसे मंटो हो गया है। क्या हो गया? अरे तेरा मंटो, वही मिर्जा गालिब का राइटर, उसकी किताबें पढ़ने का रोग हो गया इसे। अच्छा जी, वही मंटो की किताब पढ़ने का ये असर होता है, है? चौधरी मोहम्मद हुसैन ठीक कहता है, इस मंटो का अब कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। खुदा बख्श, इसमें मंटो का क्या कसूर है? देख खुदा बख्श, देख वादा कर मुझसे, तुझे तुझे खुदा का वास्ता है। कौन है वो? वो आशिक है तेरा, देख रहा मैं किस तरह उसका मक्कू ठप करता हूँ, तू देख रहा। खुदा बख्श, खुदा बख्श, खुदा बख्श, देख रहा तू। खुदा बख्श, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हो गया नाज़ो। अब तुमने सालगिरह में गाना गाना शुरू कर दिया है, ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना चाहती हो? मैं जमीन पे रहना चाहती हूँ शौकत, ताकि कोई मेरे पर काटे तो मैं लहूलुहान ना हो जाऊं। मगर वहां गाना गाने की क्या जरूरत थी? हर अखबार में खबर शाया हो गई है, चंद हफ्तों बाद तुम्हारी फिल्म रिलीज हो रही है, उसी का कुछ ख्याल कर लेती? मंटो के भतीजे की सालगिरह थी, बच्चे बड़ा इसरार कर रहे थे, सो गा दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो नूर? मलिका नूरजहां, अगर मैं तुम्हें खानदान में चांस ना देता तो तुम आज भी टके टके के मंडवे कर रही होती अपनी बहनों के साथ। और अगर मेरी आवाज और अदाकारी से आपकी फिल्में हिट ना होती ना शौकत जी, तो आप भी बंबई के बाजारों में घड़ियों की मरम्मत कर रहे होते। ये फूल आए मैडम जी। लो एक और आ गया, उसे भी गाने सुना दो जाके। शीदे जी, मैडम जी, बुला ले उसे। तुम्हें अंदर बुलाया है। आइए जनाब। तो आप हैं सुहेल अख्तर जी?
वो दरअसल मैं आपका परस्तार हूँ। परस्तार हैं और हम अपने परस्तारों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको मुझमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सब कुछ, सब पसंद है। आप हमें सारी की सारी पसंद हैं। और मेरी आवाज? उस पर तो हम फिदा हैं मैडम। मैडम कह रहे हैं, बताइए ना शौकत जी से, हमारे परिस्तार हमें नूरी कहते हैं। नूरी कहिए ना आप मुझे। नूरी? आप हमारी फिल्में नहीं देखते? कई कई बार। जुगनू तो मैंने 22 बार देखी थी। और अक्सर आपने ये भी सोचा होगा कि फिल्म के हीरो की जगह आप हो और हमें अपनी बाहों में ले लें। अक्सर मैं तखय्युल में यही सोचता हूँ कि आप और मैं। बकवास बंद करो। हमने आपको वो बात बताई थी कल जो हम मंजले बेटे के कमरे में गए तो वो रुस्वाई जमाना किताब? जी बेगम। तो आपने क्या किया? हमने उससे किताब छीन कर गायब कर दी। हमारा ख्याल था कि आज आपसे दरखास्त करें। आप बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है बेगम, बस हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई कदम उठा नहीं सकते और हमें आपकी तरफ से भी यही इत्मीनान होना चाहिए। मैं आज ही मिसेस अल्हाना से बात करूंगी, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। और हम आज ही डॉक्टर पीजादा से बात करेंगे, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। तो फिर पढ़ें अगला चैप्टर। मेरा ख्याल है स्टॉपवॉच भी रख लें, नब्स चेक करने के लिए। आपके स्मेलिंग सॉल्ट्स कहाँ हैं? वहीं पर रखे होंगे। नौकरानी बोली, कहाँ चले? नौकर ने कहा, बढ़ई ढूंढने जा रहा हूँ। चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। नौकरानी ने कहा, हाँ उससे कहना मजबूत लकड़ी लगाए। बहुत खूब और बहुत दिलचस्प, लेकिन मंटो साहब एक मसला है, इसे छापेगा कौन? वही जो पहले अफसाने छापते हैं। ओए सूफी, अंदर जाओ, किताब सदाम खाली करो, किताबें शिताबें चुको, चलो। चल अकेले। सर जी आप मेरी बात तो सुने। चल सर, मेरी बात सूफी। जी हां भाई, मेरी बात चल। आपका दिमाग तो दूसरा है, कौन छापेगा इसे? यार मंटो, तुम्हारे कलम में कुछ ऐसी बात है कि सीधा भी रखो तो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा ना भी हो तो टेढ़ा लगने लगता है। ये भी तो मुमकिन है कि लोगों की नजर टेढ़ी। तो इस ऊपर नीचे दरमियान को कौन छापेगा मंटो साहब? ये छप के रहेगी, अगर कोई नहीं छापेगा तो मैं अपनी रकम खुद लगा के छापूंगा। जो कहानी लिखी जाती है ना प्रोफेसर, उसका छपना लाजिम हो जाता है। सलाम मंटो साहब। वालेकुम सलाम। अजी कोई बंदा आपका घर ढूंढ रहा था, एवर न्यू स्टूडियो से आया था, कह रहा था कि बंबई से कोई पैकेट दे गया आपके लिए। मुझे किसने भेजा? जी वो कोई दोस्त है आपका, श्याम साहब, उन्होंने भेजा है आपके लिए। जी आपको दे दिया जाए, मुझे इजाजत। जी वारे मेरे मुरली वाले श्याम, क्या टाइमिंग है अनवर, अब ऊपर नीचे दरमियान भी छपेगा और मेरे श्याम के नाम जाम भी चढ़ेगा। सारी कॉपियां उठवा लीजिए, सब की सब।
قیمت دے کر یا زبردستی ہمیں نہیں معلوم اٹھوا لیجئے بس آپ یہاں بیٹھی تصویر بہاتی رہیں گی ہمیں کچھ سوچنے دیجئے کیسا گھٹیا آدمی ہے یہ منٹو کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں ہمیں یہ اب ہم کریں گے کیا میں کس طرح فیس کروں گی اپنی فرینڈز کو ارے باہر میں گئی آپ کی کافی پارٹی والی فرینڈز ہمارا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے ہیلو وہ وکیل صاحب سے شام کا وقت طے کرو وکیل صاحب کے ساتھ تو کیا قانونی کاروائی کے بغیر جانے دیں اسے عدالت میں مقدمہ کریں گے تو بہت شرمندگی ہوگی پگڑیاں اچھلتی ہیں ایسے مقدموں میں ہم حتک عزت کی بات نہیں کر رہے ہم اس پر فحاشی کا مقدمہ کریں گے اس پر پہلے بھی سزا ہو چکی ہے ناک رگڑوائیں گے اس کی معافی منگوائیں گے اس سے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری نجی زندگی کے بارے میں اس کو اس قدر معلومات دی کس نے آپ نے یا ڈاکٹر غوری نے ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ دیوار سے کان لگا کر ہماری باتیں سنتا رہا ہے اس ڈاکٹر کے بچے کا بھی لائسنس کینسل کروا کے دیں گے خدا بخش اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے چودھری صاحب وہی گل ہو گئی جی وہ چوہا اپنی کڑکی میں خود پھنس گیا ہیں ویسے خدا بخش یہ افسانہ نہ صرف فحاشی کا مکرو نمونہ ہے بلکہ اس میں شہر کی ایک ممتاز شخصیت کے کردار کو مسخ کیا گیا ہے تم تو جانتے ہو نا کس کے بارے میں لکھا ہے اس نے چوہی صاحب میں کیا جی وہ پورا شہر جانتا ہے جی آپ سے ملنے آئی ہوں مجھ سے نہیں کس لیے وہ انسپیکٹر نہیں ہے خدا بخش وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا ہے موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی طرح پھنسائے آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا ہوشیار رہنے کے لیے ہوش میں رہنا پڑتا ہے اور یہ میرے بس میں نہیں ہے وارننگ کا شکریہ ہم چاہتے ہیں وکیل صاحب کے ایسا پکا ہاتھ پڑے کہ آئندہ وہ کسی معزز خاندان کی پگڑی اچھالنے کی ہمت نہ کرے کراچی بات ہو گئی ہے میاں صاحب کراچی کے پریس ڈپارٹمنٹ نے تمام کاروائی مکمل کر لیا ہے وہ مقدمہ درج کرتے ہی پنجاب حکومت کو اطلاع کر دیں گے پھر اس کے بعد خدا بخش صاحب کا کام ہے سر جی آپ فکری نہ کریں میاں صاحب آپ کا خاندان مسلم لیگ کے بانیوں میں سے ہے جی آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے جو ہو سکا نا جی قسم خدا دی کریں گے جی شکریہ انسپیکٹر صاحب اگر آپ کہیں تو ہم مائی جی صاحب سے بات کریں نہیں جی نہیں ہمارا اپنا کیس ہے جی چودھری محمد حسین صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں ہوم ورک کیا جی چودھری صاحب نہایت ہی مخلص انسان ہیں مگر وہ ریٹائر او میاں صاحب جی وہ دنیا سے بھی ریٹائر ہو جائیں گے نا تب بھی بعد میں ان کے پیغامات آتے رہیں گے جی وہ جی فحاشی کے خلاف جہاد کے مجاہد اول ہیں اب اس کار خیر میں دیر نہیں ہونی چاہیے انسپیکٹر صاحب کسی آرڈر آنے دیں لار کی پولیس میں نا تھر تھلی مر جانی ہے آپ لوگ جائیں اوکے سر اوکے میاں صاحب سر السلام علیکم وعلیکم السلام میری کہانی بیان کر دو وہ میرے اندر کھل بلا رہی ہے سنائے جانے بتائے جانے کے لیے بے تاب ہے ایک صرف تم ہی ہو جو یہ کہانی بتا سکتا اور کوئی نہیں چاہیے
उसी और लुच्ची को भी बुखार है। ठीक है, पूरा दिन आपका इंतजार करती हूँ, अभी थक कर सो गई। लुच्ची तो लुचावर है आपका। मैं बेहक वक्त कई दुनिया हूँ, मेरे कई किरदार निभा रहा हूँ, सफिया मैं थक जाता हूँ, कहानियाँ लिख लिख के मेरे हाथ छल हो चुके हैं, मेरी आँखें पुच्छल हो रही हैं, मेरा दिमाग हार रहा है। सफिया, ये रोज के रोज कहानियाँ लिखने की बजाय अब कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे कोई और काम कहाँ आता है, कहानियाँ लिखने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, और मेरे काम की माशरे में कोई कदर नहीं है। शायद मेरे मुझे जाने के बाद बहुत बात लिखे हुए को सराहा जाएगा, उसकी कदर की जाएगी, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे खुसूसी शुमारे शाया किए जाएंगे, मुझे याद किया जाएगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो चुकी होगी। अनवर मियां जी, इस पे कुछ लिखो। क्या? कुछ भी एक लाइन लिखो कोई। कौन? ओ सादत हसन मंटो, और दरवाजा खोलो, और फरार का कोई रास्ता नहीं है, तुम चारों तरफ से घेरे में हो, और दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। सादत हसन मंटो, क्या बात है, इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? जी मंटो को बाहर निकालो, हम उसको लेने आए हैं। वो घर पे नहीं है। देखे जी, वो कराची से उसके खिलाफ वारंट है, हमें उसको गिरफ्तार करने के आर्डर है। अब मंटो बाहर निकलो, क्या औरतों के पीछे छुपे बैठे हो, निकलो बाहर। कह तो रहे हैं कि वो घर में नहीं है, हम सिर्फ औरतें हैं, हमारे पास तलाशी के आर्डर है, आप उसको हमारे हवाले कर दें, वरना फिर हमको घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हम भी यहीं बैठे हैं जी, उसके बगैर हम नहीं जाते, बाहर ही बैठे हैं। कैसे मरवा हूं उसे? मंडो साहब, बस थोड़ी सी रह गई है, फिर चलते हैं। और ये कहानी अधूरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें पता है मुझे अधूरी कहानी छोड़ने से नफरत है। दरअसल आपके घर के बाहर पुलिस आके बैठी है, और वो इसरार कर रहे हैं कि आप घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे। मुझे गिरफ्तार करने आए, ऊपर नीचे दरमियान के सिलसिले में हो सकते हैं, और सुना इस दफा वारंट भी कराची की अदालत से आए। चलो, और वो जमानत का भी बंदोबस्त कर रहा हूँ। हामिद को कह देंगे, ग्रेड वन का अफसर है, वो कुछ कर सकेगा। मेरा ख्याल क्या हो रहा है, ये क्या बदतमीजी हो रही है? वो जी कानून का बोलबाला हो रहा है जी। हामिद साहब, वो जी मंटो को लेने आए हैं, उसको देखो वो चूहे की तरह डर के अंदर बैठा हुआ है, पर आज तो हम उसको लेके जाएंगे ना जी, और चाहे रात ही क्यों ना हो जाए। हैं साहब, देखिए जी अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, अब हमको खुद अंदर जाके उसको लाना पड़ेगा। कोई हक नहीं है आपको ऐसा करने का। हक नहीं, इख्तियार है हमारे पास, और हम ही कर सकते हैं। घरों पर थावा बोलने का इख्तियार तो नहीं है ना? और देखें जी अहमद साहब,
मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं कि उसको बाहर निकाले वरना अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो बाहर नहीं आ सकता, ये नामुमकिन है। ए, मुमकिन है? ए, नामुमकिन को मुमकिन बनाती है पुलिस। लेकिन इस नामुमकिन को पूरे शहर की पुलिस भी मिल जाए ना तो भी मुमकिन नहीं बना सकती। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि मंटो साहब बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो कहीं और से आ रहे हैं। वो रहे, है जी, तो फिर आप वाकई घर पे नहीं थे हैं? ओ जी, वारंट आए जी कराची से आपके लिए। फिर तो थक गए होंगे। हैं जी, कौन थक गया होगा? वारंट कराची से जो आए। चलो, आज ही हम अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर कर देंगे और आज ही बेल बिफोर अरेस्ट भी हो जाएगी। हैं जी, क्या हो जाएगी? जमानत कबल अज गिरफ्तारी, बेल बिफोर अरेस्ट। ओ ओ, अच्छा अच्छा, चंगा जी चंगा। चलते हैं फिर मेरा ख्याल, खुदा बख्श। हाँ जी, मैं बंदोबस्त करता हूँ। चाय वाय पूछी हामिद वगैरह ने? और नहीं मंटो साहब जी, किधर पूछी। जाओ भाई, हामिद अंदर सफिया को कहो कि दो अच्छी सी चाय बना के भेज। मंटो साहब जी, तलाशी लेनी थी। ले लो तलाशी, खुदा बख्श। ना बोतल है, ना पैसे हैं, ना पिस्तौल है, ले लो। नहीं नहीं जी, आपकी तलाशी नहीं लेनी जी, घर की लेनी। तलाशी क्यों लेनी है जी? नौकर आदमी है जी, ऑर्डर है जी ऊपर से। वारंट हैं तुम्हारे पास पक्के वाले? हाँ जी मंटो साहब, बिल्कुल है मेरे पास है। दिखाओ जी। आपको मुझ पे एतबार नहीं है जी? हैं? यकीन तो तुम पे नहीं किया जा सकता खुदा बख्श। मंटो साहब जी, मैं दिखाता ये ले जी। वारंट तो पक्का लाए हो अब के? मैं जरा अंदर जाके बताता हूँ कि तलाशी हो। जी मंटो साहब, आ जाओ यार, तलाशी ले। है जी, फिर इजाजत है जी। जी हामिद साहब, ओ चलो ओ चलो, उधर देखो उधर देखो, शाबाश। हमें ये अंदाजा तो था कि जज साहब सजा सुनाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं थी कि 300 रुपए जुर्माना और 3 माह की कैद भी सुना देंगे। जमानत का बंदोबस्त तो किया हुआ था अपने एडवोकेट खुर्शीद साहब ने, लेकिन अब सवाल था 300 रुपए का। बस पैसों का बंदोबस्त करना था, सब इधर उधर भागे। मैंने रुख किया कृष्ण नगर का, जहाँ पे सब अदीब रहते हैं। बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम हुआ और चंद मिनट पहले जुर्माना अदा किया गया, जिसकी वजह से रात हवालात में गुजारने से बचत हुई। इतनी बदतमीजी उन्होंने पहले कभी नहीं की। किताबें क्यों ले गए? रूसी अदब में दिलचस्पी हो कि उन्हें सफिया वॉर एंड पीस पढ़ना चाहते होंगे। कोई और बात है? हाँ, कोई और बात तो है। एक फिक्र है मुझे सफिया, जो हर वक्त लाहक रहती। फिक्र? कौन सी फिक्र? आपको कौन सी फिक्र है? मुझे तो लगता है सारी फिक्रों का बोझ मेरे ही कंधों पर है। आप तो बिल्कुल बेफिक्र हैं। ठीक कहती हो सफिया। सोचता हूं अभी तो लिखा कर गुजारा हो जाता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, घर का, बच्चियों का। सब बातें मत करें साथ, कुछ नहीं होगा आपको। आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को बड़ा होते देखेंगे। मेरी अयाशी की तो ऐसी की तैसी। बदमाश इंसान, बेगैरत, इतने अजीम आदमी, इतने अजीम लिखारी को तूने परेशान किया है? उसके घर में घुस के उसके बच्चों को दुख दिया तूने? तू शैतान है,
और तुझ जैसे मर्दों पे मैं थूकती हूँ तुझ पर। और ये वर्दी जिसका टैका है ना, उठ उठ, मैं तुझे बताती हूँ इस वर्दी का क्या टैका है। चल देख, उतार उतार से। अरे कुमे, चल उतार इस वर्दी को। तू भी बिना कुमे पकड़ से फेंक से गटर में कहीं बाहर, इस घर कहीं का दफा दूर हो तू, निकल जा यहाँ से। अरे दफा हो जा। अरे आराम ना, कमीने को फेंका इसको सड़क पे बाहर, मुंह उठा के चला आता है मुफ्ते का। अरे कमबख्त, मर जा, मरने दो, हम मरने दो, मर जाना चाहिए। आहिस्ता बोल, बाजार वाले क्या कहेंगे। फेंका इसे गटर में कहीं। ये है इस केस की पैरवी, पूरे जोश से करना। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, इहाद से लेकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। समझती हूँ, कब से जानती हो तुम मुझे? हमेशा से। तुम जहाँ थे मैं वहीं थी। बंबई में, तुम बंबई में थी, तुम्हारे साथ बंबई में ज्यादती की गई, और फिर बंटवारे पे तुम पाकिस्तान हिजरत कर गई। रास्ते में कई दफा तुम्हें लूटा गया, बर्बाद किया गया, और अब तुम अपना मुकदमा लिए पाकिस्तान की सड़कों पे तरबतर भटक रही। मैं वो बेसहारा लड़की थी जो कुछ दिन के लिए तुम्हारे फ्लैट में आके रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाने पकाए थे, तुम्हारे फर्श को चमकाया था, मैंने तुम्हारे मैले कपड़े धोए थे, और फिर एक दिन अचानक बगैर बताए मैं वहां से चली गई, किसी को इत्तला दिए बगैर। बगैर कुछ चोरी किए, पहेली थी वो मामला हल नहीं हुआ था मुझसे। हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? हम तीनों फ्लाइट में एक दूसरे पे शक करते रहे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बाकी दोनों साथियों में से किसी ने उसके साथ ज्यादती की थी। तुम तीनों अच्छे लोग थे, मगर रोजगार के जबर में कुछ ऐसे जकड़े हुए थे कि किसी चीज का होश नहीं था। वो तुम्हारे मालिक मकान का छोकरा था, वो मारवाड़ी सेठ। मुझे उसका ख्याल क्यों नहीं आया? मैं खामखा अपने साथियों पे शक करता था। रात होते तक और भी तेज हो जाती, उल्टी भी होती। बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निक्की तो सबसे बड़ी है और ब्रेव गर्ल है ना। आज जाऊंगा इदारे, कहानी उस दिन अधूरी छोड़ के आया था, आज कर दूंगा मुकम्मल। इस बार पेशी पे कराची चले जाइएगा, वरना आपके साथ साथ मेरे भी समझ जारी हो जाएंगे। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मंटो साहब, ये दीवानगी आप पे ही सजती है। वो कहानी तो मुकम्मल हो गई ना, अब इस चुमारे में हमने आपकी जगह रखी है। कहाँ मुकम्मल हुई चौधरी साहब, उस दिन यही लिख रहा था, अधूरी छोड़ के जाना पड़ा। वो कागज फेंक तो नहीं दिए? ओ नहीं नहीं मंटो साहब, वो बड़े बड़े संभाल के रखे हैं। ये देखे, ये ली। अभी मुकम्मल कर दो। भाई
चल इधर। मंटो साहब, मंटो साहब। मंटो साहब तो नहीं है, आज भी तलाशी लेंगे? नहीं जी, आज तलाशी नहीं लेनी जी। फिर जी ओ, समन आया जी मंटो साहब के नाम कराची से, उन्हें परसों कराची पहुंचना है जी। कराची? हाँ जी। उनकी तो जमानत हो गई थी। तभी तो जी, वरना हम उनको पकड़ के नहीं ले जाते अपने साथ। बस आप उनको ताकीद से कह दीजिएगा जी कि परसों कराची चले जाएं, हैं? ये जी इस पे आप जरा ना अंगूठा लगा दें, आप दस्तखत कर दें, कोई गल नहीं है जी, कोई मसला। ओए पेंदे, जल्दी कर ये। नहीं शुक्रिया जी, ये नहीं जरूर सही है, याद करा के बता दीजिए। शुक्रिया। आओ सारे। और किधर है तेरी फुलझड़ी? डंडा थले कर, डंडा थले कर। आ गई हूं मैं, हट। की तमाशा लाया है? तुम में और मंटो में क्या फर्क है? और तुम लोगों का दलाल ही तो है। और तू तो उसकी जुत्ती बराबर नहीं है। और ले चलो सारे के सारे। और चल, और चल, और चल, और चल, 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 चल। एक मिनट, अब मैं कुमा। यहाँ क्या कर रहे हो? फूट नाजो भाई को तो हवालात में बंद कर दिया है। इंस्पेक्टर खुदाबख्श ने खुद रेड करके उन्हें गिरफ्तार किया है, और मैडम ताहिरा को भी। खुदाबख्श तो बहुत पसंद करता है नाजो को। मगर नाजो तो आपको पसंद करती है मंटो साहब, वो तो आप ही की किताबें पढ़ती है, आप ही के बारे में सोचती है। बस यही बात इंस्पेक्टर खुदाबख्श को बहुत बुरी लगी, और फिर जब आपके घर पर रेड की खबर नाजो को मिली तो वो तो गुस्से से पागल ही हो गई। फिर क्या, फिर जब खुदा बख्श कोठे पर आया तो नाजो ने उसे बहुत जलील किया। तो बंदोबस्त किया तुम लोगों ने कोई वकील वगैरह? बस इसी सिलसिले में तो आपके पास आया हूँ, आपका तो मुकदमों का बहुत तजर्बा है, कोई अच्छा सा वकील करा दे। अब फीस हम मुनासिब दे देंगे, बस यह है कि वकील किसी के दबाव में ना आए और हमसे हमदर्दी रखता हो। उधर मसंद रोड पे जहाँ वकील बैठे, एक और कहानी मिल गई ना। ये नाजो अब खुदाबख्श से निगली नहीं जाएगी, उसे तो मंटो का कीड़ा काट चुका। वो सरकश हो गई। इंस्पेक्टर खुद आया था देने जी, और कह रहा था अगर आप नहीं आए तो उठा के ले जाएंगे। इदारे वाले भी यही कह रहे हैं कि कराची जाना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी। उन्होंने खुद ही कराची के टिकट भी करा दिए हैं। निकी का बुखार नहीं उतर रहा, और आपको पता है हामिद कह रहा था टाइफाइड भी हो सकता है। सुफिया मैं कैसे जाऊंगा ये सब कुछ अपने दिमाग पे, अपने जहन पे लेकर? जाना तो पड़ेगा ना, ये सब लोग कह रहे थे मामला बहुत सीरियस हो सकता है। अब्बा ट्रेन में बैठ के जाएंगे और दो चार दिन में ही कराची से वापस आ जाएंगे।
ठीक है? ठीक है। लेकिन निगी वादा करेगी कि वो दवाई बाकायदगी से खाएगी, ठीक है? पापा, मेरी भी तबीयत खराब है, मुझे भी दवा ला के देना। पापा ये झूठ बोल रही है। ये मुझे झूठ ही बोलती है, मैं तो झूठ नहीं हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती और कोई झूठा नहीं है इस घर में। और खबरदार जो नुच्ची को किसी ने झूठा कहा। मुझे लग रहा है तबीयत थोड़ी सी खराब तो है, ये मट्टू में दर्द हो रहा है, है ना? थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना? अच्छा, अब्बा जब आएंगे कराची से तो अब्बा वहां से लाएंगे सोहन हलवा। और अगर निग्गी की तबीयत तब तक ठीक नहीं होती सफिया, तो हम निग्गी को ले जाएंगे वो अच्छे वाले डॉक्टर के पास, वो जो यूं चुटकी बजा के ठीक कर देते हैं। जब मेरी तबीयत खराब हुई थी ना नुच्ची, तो डॉक्टर अंकल ने यूं चुटकी बजाई थी और अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए थे। ऐसे? ऐसे। तुम्हारी तो चुटकी भी नहीं बजाने आती, ऐसे बजाते हैं। मेरी चुटकी ज्यादा अच्छी है, ऐसे बजाते हैं। हाँ भाई, नुच्ची की चुटकी जो है वो सब चुटकियों से अच्छी है। चलो बीबी, जाओ अपने घर। छुट्टी हो गई जी? हाँ छुट्टी हो गई। चलो भी उठो। उठो भाई। कुमे, अरे कुमे, इधर आ, इधर आ। ये सारा बंदोबस्त तूने किया है ना? मैंने नहीं, वो मंटू साहब ने वकील करके दिया है। मंटू ने? मामी कहती थी ना वो हमारी मदद को जरूर आएंगे, लेकिन नाजो उसकी मदद को कौन आएगा? चलो बीबी, चलो 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 यहाँ से घर जाके मिलो, जाओ। जब इस जमाने में मर्द औरत बन सकता है, ये औरत मर्द बन सकती है, तो क्या वजह है कि इंसान बंदर नहीं बन सकता? बंदर कहते हैं कि इंसान हमसे बने हैं, और सिर्फ गुमराही के बायस। क्या इंसानों के पास इसका कोई जवाब है कि वो हमारी बिगड़ी हुई शक्ल नहीं? इंसान कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हम मसलन बंदर थे, लेकिन ये सिर्फ हमारी कुव्वत इरादी, हमारी शबो रोज की कश्मकश, हमारी रूहानी बेदारी थी, हमारा फिक्र अमल था, हमारी इर्तकाई जिद्दोजहद के हमें साला मकाम पर पहुँच गए। एक दौड़ थी जिसमें हम जीत गए और बाकी हार गए। जो हारे हुए हैं वो अभी तक बंदर के बंदर हैं। और इंसान बंदरों को देखकर सोचता है कि अगर बंदर से इंसान बनकर वो इतनी कयामतें ढा सकता है, तो वापस बंदर बनकर खुदा मालूम क्या कुछ नहीं कर सकता। तवेले की बला। अजय कुमार, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? नहीं, बल्कि बहुत अच्छी लगती है। मैं भी तुम पे परिश्ता हूँ। अच्छा, जैसे चनवे में जहांगीर पर, जुगनू में शौकत रिजवी पर, या तानों के तीर मत मारो अजय, क्योंकि मुझ पर उनका कोई असर नहीं होगा। हाँ मगर क्यों, तुम क्यों इतनी दिल फेंको? तुम नहीं समझोगे अजय कुमार, अक्सर लोग नहीं समझते। जब मैं कोई खूबसूरत चीज या खूबसूरत मर्द देखती हूँ तो मेरे दिल में गुदगुदी होने लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं उसे उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखती रहूं। जैसे छोटी सी बच्ची कोई प्यारी सी गुड़िया देखती है तो उसका दिल मचल जाता है। जैसे बाग में खिला हुआ फूल मिल जाता तोड़ के अपने बालों में लगा ले, बिल्कुल वैसे। तो क्या सारा बाग उजाड़ दोगी तुम? अजय कुमार, एक बात याद रखना, तो नूर जहां हुस्न परस, हवस परस नहीं, समझे?
not ready, Mera. आपको चलने की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू। लेकिन सारा क्रेडिट तो बेगम साहिबा को मिल रहा है, आपने डायरेक्टर के तौर पर उनका नाम जो दे दिया है। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्रेडिट किसको जाता है, सारी इंडस्ट्री जानती है कि फिल्म किसकी है। हाँ क्या हुआ सर? वो ठीक है, तुम जाओ। जी सर। फजली साहब जी, आपके हीरो हीरोइन रिहर्सल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं उनका सीन? उनका तो कोई सीन नहीं है अब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। दो आबाश मर्दों के हमरा सफर कर लेंगे आप? कौन आबाश मर्द? मेरा इशारा अपने और अपने दोस्त की तरफ है। बिरादराना और मुअद्दबाना मशवरा यही है कि चूंकि आपके हमरा एक बुरका पोश और बाहया बेगम हैं, तो आप किसी और कंपार्टमेंट में तशरीफ ले जाएं। गार्ड साहब आप हमें किसी और कंपार्टमेंट में जगह दें। जो सीट मिली है इसमें क्या कबात है मौलाना साहब? वो शरीफों वाला कंपार्टमेंट नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? चलें खुद चलकर देख लें। आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए तो सही, चलें चलें आप। अरे मंटो साहब आप? तौफीक साहब ने मुझे बताया था कि आप कराची के लिए सफर कर रहे हैं और आपका खास ख्याल रखूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप किस कंपार्टमेंट में हैं। गार्ड साहब यही हैं, यही तो हैं वो खतरनाक गुंडे। तलाशी लीजिए इनकी, गिरफ्तार कर लें इनको, उतार देने इस ट्रेन से। मौलाना साहब कैसी बेकार बात कर रहे हैं, ये सादत हसन मंटो साहब हैं, मशहूर अफसाना निगार। वो फहाश अफसाने लिखने वाले? फिर तो जरूर तलाशी लीजिए इनकी, हो सकता है दो चार फहाश तहरीरें बरामद हो जाएं इनके पास से। मौलाना साहब आप अपनी जबान पे ना कंट्रोल करना सीखें, ये मौजिज शहरी हैं और हमारे ऑफिसर तौफीक साहब के अजीज हैं। जाएं आप अपने कंपार्टमेंट में और मंटो साहब को तंग मत करें। कमाल है, शराबियों और औबाशों की इज्जत होती है, शुरफाओं को धक्के मिलते हैं, क्या जमाना आ गया। वो देखो वो लड़का किस सादत मंदी से जनाना डब्बे में सामान पहुंचा रहा है। हाँ शायद बीवी हो उसकी जनाना डब्बे में। अव्वल तो ये कि ये इसकी बीवी नहीं, क्योंकि अगर ये इसकी बीवी होती तो वो इकट्ठे सफर कर रहे होते, अलग अलग डब्बों में नहीं। और अगर ये वाकई इसकी बीवी होती तो इतनी जाँ फिशानी से इसकी खिदमत ना कर रहा होता। ख्वाब देख रहा है, अपने दिल में कहानियां बुन रहा है। क्या होगा पता नहीं अब क्या होगा, तुम बाद मुझे दिखलाओगे। साथ न पाओगे
चांद हमारे हो, नंदे हो पर प्यारे हो। आना है उसे जाना है, तुम जहां से रेल से उतरो की वही मंदिर का बताओगा, मुझे अपने घर को जाना है, एक धंधा बहुत पुराना है, तुम नुक्कड़ पे रुक जाओगे और थोड़ा सा पछताओगे, कोई और अफसाना लिखते कमबख्त। नहीं बेगम, अब उसका कलम टूट जाएगा। इस मंटो कमबख्त ने तो हमारी नींदें आराम कर दी हैं। अब तो सोने के लिए लेटती हूँ तो लगता है जैसे हमारे दरमियान लेटा हुआ है। ओए नाजो, मुझको माफ कर दे नाजो, मैंने तुम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है, मुझे माफ कर दे नाजो। अच्छा चलिए उठिए ना। अरे उठिए, बताइए क्या हुक्म है हमारे लिए? ओए हुक्म नहीं है नाजो, दरख्वास्त है, मुझको माफ कर देना है। ठीक है, तो हम आपको माफ कर देते हैं और आप हमें, हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? बड़ी मेहरबानी नाजो। नाजो जरा डी आई जी साहब को जरा एक फोन कर देना है, करा सब कुछ ठीक है। ठीक है, आजकल शहर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है, कभी भी शहर में कर्फ्यू लग सकता है। बट तुम परेशान ना हो, तुम लोगों का मसला मैं हल कर दूंगा। आप लोगों से दरख्वास्त है आप घरों को तशरीफ ले जाएं, शहर के हालात अच्छे नहीं है। मैनेजर जी, कैफे बंद करो फटाफट, चलो बाहर निकलो।
ज़मीर बागी हो गया है, सोता ही नहीं। मैं इसे बहुत सुलाता हूँ, मगर ये किसी शरारती बच्चे की तरह आंखें खोलकर मुस्कुराने लगता है, जैसे कभी सोया ही ना था। मैंने निग्गी से वादा किया था उसे समंदर देखने का, ऊँट की सैर करने का बहुत शौक़ है। मेरी बच्ची लाहौर में बीमार पड़ी है और मैं यहाँ क्लिफ्टन के साहिल पे खड़ा। कैसा बदबख्त आप हूँ, अपनी बीमार बच्ची को किस हालत में छोड़कर मैं यहाँ चला। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत, मैं यहाँ मौज मस्ती कर रहा हूँ। नहीं मंटो साहब, आप बहुत अच्छे और प्यार करने वाले बाप हैं, और आप यहाँ मजबूरी के आलम में आए हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं, वरना वो ज़बरदस्ती आपको यहाँ ले आते। कल अदालत में पेशी है। ये लोग मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते, और कितना जलील और कितना रुसवा करेंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ लिखना। ये लोग मुझे लिखने क्यों नहीं देते, मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने देते। मैं और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंटो साहब, आप अपना काम करते रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुकदमे कर देंगे, समन भेज देंगे, सरजनश कर देंगे, मगर जो बाकी रहेगा वो आपका काम होगा, और जो जिंदा रहेगा वो आपका नाम होगा। ज़ाहिर बहुत सरकश नजर आता हूँ मैं, अंदर से बहुत कमजोर और इनसिक्योर। कमाल है, मुझे 3 माह से बुलावे भेज रहे थे, लाहौर से कराची बुलवा लिया, और खुद मेरी कहानी पढ़ने की जहमत तक नहीं की। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मसरूफ यही है, बाकी सब फारिग बैठे हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, दूसरे मजिस्ट्रेटों की तरह फिरौन मिजाज नहीं थे, मुअज्जब आदमी। इससे पहले किसी जज ने आपको कुर्सी नहीं पेश की। मैं तो हैरान हो गया था जब उसने मुझे तशरीफ रखने के लिए कहा। मैंने कहा पता नहीं किसे तशरीफ रखने का कह रहे हैं, खासा मुअज्जब और पढ़ा लिखा मजिस्ट्रेट। वैसे आपने नोटिस किया था वो लाहौर का वकील गोंदल भी आया हुआ है, बड़ी तैयारी के साथ। किसकी तरफ से? मियां मज़हर बशीर की तरफ से, और किसकी तरफ से? मगर वो तो इस केस में करीब, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं मियां। रियासत बनाम सादत हसन मंटो हाजिर हो। मंटो साहब, मैं वो मतनाज़ा कहानी पढ़ चुका हूँ, आपको अपने दिफा में कुछ कहना है? मैं इकबाले जुर्म करता हूँ। क्या आप जुर्म तस्लीम करते हैं? जी जनाब, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने ये कहानी लिखी है। मुझे सजा दें ताकि ये तकलीफ दे बाप खत्म हो। आप एतराफ़ जुर्म करते हैं तो फिर मजीद कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं। जनाब आला, मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। आपकी तारीफ जी, मैं लाहौर से आया हूँ और मुफाद आमा के तहत कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। आपका इस मुकदमे से क्या सवाल है? आप इस्तगासा की तरफ से हैं या फिर दिफा की तरफ से? जी मैं ना इस्तगासा की तरफ से हूँ और ना दिफा की तरफ से। आप फिर खामोशी से बैठ। मगर जनाबे वाला, इस तरह तो ये छूट जाएगा और इसकी हरकतें अदालत के सामने नहीं आ सकेंगी। मुल्ज़िम इकबाल जुर्म कर चुका है, इसलिए अब अदालत सिर्फ सजा का तयन करेगी। क्या तारीख है आज? 25 तारीख। 25 रुपए जुर्माना। चल मैं भी रेडी हूं, चलिए। जेती जेती आज चुन दो पे खिले। क्या करूं इस औरत का, कैसे अपने भाई को बचाऊं इसे? तुम नहीं बचा सकते उस्ताद जी, बल्कि वो तो खुद भी खुद को नहीं बचा सकता। जो किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता। तनु पूछा मैं, क्या फायदा हुआ आपकी तमाम फुर्तियों का, तमाम सिफारिशों का,
اتنے خرچے کا کیا فائدہ ہوا؟ معمولی سا مفلس شرابی ادیب آپ کے قابو نہیں آ سکا۔ میاں صاحب، ہم نے تو پوری کاروائی کر لی تھی، عدالتی معاملات بھی طے کر لیے تھے اور قانونی دلائل کا بھی سارا بندوبست تھا، پھر اچانک اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جی میں نے تو پوری کوشش کی، بلکہ مجسٹریٹ سے ڈانٹ بھی کھائی۔ اور وہ جرمانہ کیا مذاق ہے، اتنا کم؟ میاں صاحب، میری اطلاعات کے مطابق تو جرمانہ 500 روپے ہونا تھا، پھر اچانک اسے کاٹ کر 25 روپے کر دیا۔ 25 کیوں؟ اس دن 25 تاریخ تھی، شاید اس لیے۔ پہلی تاریخ ہوتی تو کیا جرمانہ 1 روپیہ ہوتا؟ اجو، اجو، صفیہ، نگی کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ٹائفائڈ ہے، دوا لکھ کر دی ہے۔ منگوائیں؟ 2 دن کی منگوائی تھی۔ صفیہ، عام طور پہ بچا کے تو رکھے ہوتے ہیں تم نے پیسے۔ نہیں، جمع کر کے منگوائی تھی۔ فکر نہیں کرو، کچھ انتظام کرتا ہوں، کچھ بھی کر لوں گا، ادارے چلا جاؤں گا، دوستوں سے مانگوں گا۔ کل صبح تک چاہیے یہ دوائیں، 200 روپے بہت ضروری ہے، ورنہ نکی کی حالت خراب ہو سکتی ہے۔ میری بات دھیان سے سنو، تمہیں میڈم کی نگرانی کرنی ہے بہت احتیاط سے۔ تمہیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کب، کہاں، کس کے ساتھ ہوگی اور کتنی دیر اس شخص کے ساتھ رہی۔ سمجھ گئے میری بات؟ جی سر، سمجھ گئے۔ اور میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ سنا ہے شہر میں بہت گڑبڑ چل رہی ہے۔ ہاں، رات کو گھر جاتے ہوئے کافی دقت پیش آتی ہے، اور اگر کرفیو لگ گیا تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ شوکت، اگر ہم اسٹوڈیو میں ہوں اور کرفیو لگ جائے تو ہم اپنے اپنے گھر کیسے جائیں گے؟ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 پر لاہور اور اس کے گرد و نواح میں کرفیو نافذ کر دیا جائے گا۔ کرفیو کے قواعد و ضوابط کے بارے میں تفصیلات وقتاً فوقتاً بلیٹن کے ذریعے نشر کی جاتی رہے گی۔ فوجی دستے شہر کے مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کا احتجاج اور قانون کی خلاف ورزی قابل سزا ہے۔ ایک اچھی خبر ہے۔ کیا؟ شہر میں کرفیو لگ جائے، اب ہم گھر نہیں جا سکتے، اب ہمیں یہیں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے منٹو صاحب، میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ رقم چودھری صاحب، کم تو ایڈجسٹ ہو جائے گی نا وہ کراچی کے خرچے میں منٹو صاحب۔ وہ آفر تو آپ نے خود کی تھی چودھری صاحب، وہ ادھار تو نہیں تھا منٹو صاحب، وہ حالات کی مجبوری تھی۔ ہم آپ کے کام آئے ہیں، ہمارا بھی کاروبار ہے، وہ حصے داروں کو جواب دینا ہوتا ہے منٹو صاحب۔ اس وقت بہت ضرورت ہے پیسوں کی۔ وہ ضرورت کسے نہیں ہوتی منٹو صاحب۔ چودھری صاحب، مجھے واقعی بہت ضرورت ہے، میری بیٹی بیمار، دوائی خریدنی ہے مجھے، ادھار دے دیں۔ ادھار محبت کی کیچی ہے منٹو صاحب۔ چودھری صاحب، مجھے اشد ضرورت ہے اس وقت، میں کوئی کہانیوں کی کتاب مرتب کر دوں گا آپ کے لیے، اس کا ایڈوانس دے دیں۔ آپ منٹو صاحب دستخط کر۔ مجھے زیادہ چاہیے چودھری صاحب۔ وہ منٹو صاحب، ابھی اتنا ہی ہے، میں صبح بینک سے نکلوا کے دے دوں گا۔ مجھے اور رقم چاہیے، پوری کہانیوں کی کتاب کے لیے دستخط کر دیے میں نے آپ کو، آپ مجھے 25 روپے دے دیں۔ کرفیو لگنے میں 15 منٹ رہ گئے، وہ منٹو صاحب ٹی ہاؤس چلے جاؤ، شاید ہو کوئی وہاں پر۔ زیادہ تو نہیں ہے،
जो भी हैं हाजिर हैं। दवा लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। दवा नहीं लाए अभी तक? मुझे बताया होता, जरूरी थी वो तो। वादा करके गए थे हामिद कि वो लेकर आएंगे। अम्मा जान क्या हुआ है? अम्मा जान अब ठीक तो है? अम्मा जान मेडिकल स्टोर वाले को बोला, उसको मैंने कहा कर्फ्यू से पहले मुझे दवाई दे दे। वो फौजियों के सायरन बजने लग गए वहां पे, वो कर्फ्यू लग गया। 10 रुपए रिश्वत ली उसने मेरे से, दवाई फिर भी नहीं दी। मैं निकी की दवाई लेने ही गया था, साइकिल वाले की साइकिल भी मेरे पास थी। वो आपके पास वक्त भी था और पैसे भी। निकी को रात की डोज नहीं मिलेगी। चुगा दो, मैं क्या करूं? चुगा दूं मैं क्या करूं? तो चुगा दो जाता है। गिर गया, मैं ढूंढ रहा था। ले आए हो तो एक मेडिकल स्टोर है, सुबह सुबह ही खुल जाता है। अकेले तो नहीं हो मंटू? मेरे साथ कोई नहीं, कोई मुझे समझता नहीं। ये घर वाले मुझे हकारत की नजर से देखते, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते। तुम्हारे किरदार तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी कहानियां तुम्हारा खानदान है, तुम्हारी बेटियां हैं। अपने दोस्तों को पहचानो, उनकी मदद करो, वो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें कबूल करते हैं बगैर किसी शर्त के। इंडिया से आए तुम्हें इतने दिन हो गए, बताया तक नहीं मुझे। सालिम बस सरकारी इंगेजमेंट्स में मसरूफ, कहीं इस्तकबालिया, कहीं इंटरव्यू, कहीं मुलाकातें। तो एक इंटरव्यू मुझे भी दे दो ना। कब दे रहे हो?
कर्फ्यू का जमाना है नूरी जी। तुम्हारे और मेरे बीच में कर्फ्यू कैसे आ सकता है? मैं सारे इंतजाम कर दिए, बस तुम समनाबाद वाले घर में पहुंच जाना। चाबी है ना तुम्हारे पास? है तो सही, मगर क्या सही रहेगा इन हालात में मिलना? देखो, नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, और अगर मैं तुम्हारे घर पहुंच गई तो रात से पहले तो नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, पहुंच जाऊंगा। मिंटू साहब, तुम कोई मिलन आया? कौन? एहतशाम या ऐसे ही कुछ नाम बता रहा है। क्या तुम जाओ, मैं देखती हूँ। कैसे हो? आप इधर ही खड़े रहेंगे और अलविदा की झप्पी भी इधर ही दे डालोगे क्या? अच्छा कि आ गए मिलने। अच्छा, वो साथ में मेरे दोस्त रहते हैं प्रोफेसर असर, उनके घर चल के बैठते हैं। क्यों, इधर क्या है? बच्चे की तबीयत खराब है। कौन सी वाली? बड़ी वाली, वही जो बंबई में पैदा हुई थी, निगत। चलो। असर साहब, असर साहब, ये मेरा जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना और बहुत प्यारा, श्याम, अब तो मशहूर फिल्म स्टार है बंबई में। लो, इन्हें कौन नहीं जानता। आओ अंदर, आइए आइए। और सुनाओ मंटो, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो? कई बार खत भी लिखे थे तुम, एक का भी जवाब नहीं मिला। कुछ रकम भी भेजी थी, उम्मीद है वो मिल गई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत काम आए वो रुपए। मैं बहुत लोग वहां पे याद करते हैं मंटो। बंबई अब भी मेरे दिल में बसता है। तो लौट आओ, अब तो मिर्जा गालिब भी कामयाब हो गई है, बहुत काम है। जो शहर एक दफा छोड़ दिया वहां वापस कभी लौट कर नहीं गया। अमृतसर, अलीगढ़, दिल्ली, बंबई, सब स्टेशन गुजर गए। अब मेरा डब्बा लाहौर स्टेशन पे खड़ा है, और वो भी बगैर इंजन के। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अरे इतने तो हाथ भी नहीं है जितने फूल दे चुके हैं आप लोग। यास्मीन, अरे गिरने वाला नहीं है। शुक्रिया आपका। नूरजहां किधर है रिजवी भाई? आते ही होंगी, ये ले। श्याम जी, बहुत बड़े स्टार बन गए आप। मुबारक हो भाई, बड़े दीवाने ये दुनिया आपकी, इधर भी और उधर भी। बस देखिए, बल्कि आपका चर्चा तो लाहौर से बंबई तक, बल्कि कलकत्ता तक हो गया। मंटो जी, मैं नहीं बोलती आपसे, आपने वादा किया था मुझसे मिलेंगे और नहीं मिलने आए। क्या बताऊं नूरे जहां, बस अभी कराची से आ रहा हूं एक मुकदमा भुगत। मंटो जी, जितने मुकदमे आप लड़ते हैं इतने मुकदमे तो कोई वकील भी नहीं लड़ता होगा। आइए चाय की तरफ बढ़ते हैं। चाय? ये पाकिस्तान आकर आप लोगों को हो क्या गया? मंटो ने भी छोड़ दिया। सच्ची मंटो जी, मैंने आपसे यही बात करी। पता, उस दिन जब मैं घर आई थी सफिया बाजी ने मुझे यही कहा था। अच्छा किया छोड़ दी, बुरी चीज छोड़ी रखिएगा। किसी मोहतरमा की बात हो रही है क्या? हाँ जी, अंगूर की बेटी की बात हो रही, कमबख्त की। हाँ क्यों नहीं, श्याम जी आइए ना। कर्फ्यू के दिनों में हीरा मंडी जाओगे? अरे वो शौकत है ना, उसने इंतजाम कर दिया है। तुम चलोगे? नहीं, घर जाऊंगा, वो बताया था ना निकी की तबीयत खराब है, बल्कि बस निकलता हूँ। हाँ अच्छा, फिर भाभी को सलाम कहना और बच्चों को प्यार देना मेरा। जाओ। नजर जी, कहाँ होते हैं आप? आप तो मुझसे भी ज्यादा मसरूफ हो गए। हाँ, कभी इंग्लिस्तान कभी हिंदुस्तान। आप ही मसरूफ होती हैं आजकल, कभी एक फिल्म कभी दूसरी, म्यूजिक अलग। काफी हिट हो रहे हैं आपके गाने आजकल। सर वो समनाबाद वाले मकान में चली गई। और कौन है वहाँ?
ये मालूम नहीं है सर, लेकिन वहां नजर का मोटरसाइकिल खड़ा है। बिजली कहाँ है? वहां पर लग गया था, लेकिन स्टोर वाले को मैं एक बार, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मुझे दवा चाहिए। दवा ले है तो मैं अपनी बच्ची को खुद दवाई पिलाऊंगा। निग्गी रात की दवा पी चुकी है साथ साहब, आप अपनी दवा लें और जाएं यहाँ से। मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं निग्गी की दवाई लेके आया हूँ, उसकी खुराक बताओ ना कितनी है। साथ साहब आपके मुँह से बहुत बू आ रही है, आप जाइए यहाँ से। बोला पान खाया ना उसकी खुशबू। मैं क्यों जाऊं यहाँ से, मैं बाप हूँ उसका, किसी के पास अपने ये कोई बच्चे को अपने बाप से दूर करे। मैं साथ साथ आप जाइए, उसने दवा पी नहीं है। हामिद, 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 हामिद नीचे आओ। किसी के पास ये हक नहीं है कि वो एक बाप को अपने बच्चों से दूर करे। हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। बाद जी सर, पीछे का रास्ता देखो और तुम दोनों बाहर जाओ, तो मेरे साथ आओ। जी सर। दरवाजा खोलो। दो से बाहर, और जो हड्डियां बाकी बची हैं वो भी तोड़ दो। खबरदार किसे हाथ लाया। साथ साहब, हामिद, हामिद जल्दी आओ। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, इनका लिवर सिरोसिस बिगड़ चुका है, इनके अल्कोहल कंजप्शन पे कंट्रोल करना चाहिए था। कोशिश तो बहुत करती हूँ डॉक्टर साहब, वाज़ ही नहीं आते। मैंने कुछ और टेस्ट लिए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ जाए तभी कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी कुछ कह नहीं सकता, आप लोगों को पहले से बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। मैं तो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब। मैं तो साहब, मैं चलता हूँ। इंसान ही इंसान की बात है। मुबारक हो थानवी साहब, आपको रेडियो पाकिस्तान में मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यानी तुम भी मुअज्जज लोगों में शामिल हो गए हो। हम कब मुअज्जज नहीं थे मजीद अमजद? तू नावल भी तो लिखता है उस मकरू नाम से, क्या नाम है वो? वही वहानवी। हाँ वही वहानवी। आप ही लिखते हैं ना वो? लिखता था, अब तो मेरे नाम मतलब उस नाम से पता नहीं कौन कौन लिख रहा है। मुझे एक बात समझाओ, क्या ये शख्स पूरे मुल्क में बीमार किस्म की जिंसी कहानियां लिखता है, माल बनाता है, कोई इससे बाज पुरस नहीं करता, और बिलाखिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजम हो जाता है, बड़े बड़े अखबारों में कॉलम लिखता है, कोई प्रेस ब्रांच इसे नहीं पूछती ना अदालत इसे तलब करती। और यार दूसरी तरफ मंटो, सच्चा खरा और आला पाए का अफसाना निगार,
मुकदमे भुगत भुगत के आजिज आ जाता है और अंदर ही अंदर सुलग सुलग कर अब अस्पताल में पड़ा है जिंदगी और मौत की कश्मकश में। क्या सारे जुल्म और सारी जिल्लतें सच्चों के लिए ही रह गई हैं? क्यों थानवी साहब, आप देंगे इसका जवाब? मैं मंटो की तरह रोज एक कहानी लिखकर या भीख मांगकर जिंदा नहीं रह सकता। वैसे भी मैं अब वो सब छोड़ चुका हूं। हाय, अस्सलाम वालेकुम आज। कहा था ना तुम्हें, मना भी किया था, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। तुम ठीक हो जाओगे, खेल सकोगे, नजर परेशान ना हो। I'm finished! अल्लाह ना करे, मैं डॉक्टर से बात करती, तुम ठीक हो जाओ। वो डॉक्टर है कोई मसीहा नहीं। नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकते। देखो जा रही हूं, लेकिन तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मंटो, मैं आ गई हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। आने दो मुझे। तुम सो जाओगे, मैं तब भी तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हारी हमसात हूँ। कहा था तुमने कि हम इकट्ठे पैदा हुए हैं और इकट्ठे ही मरेंगे। तुमने मेरी जबान में अपनी कहानी लिखी थी। तुम कहो तो सुना। वो अपने बाप का आखिरी बच्चा था। उससे बड़े तीन भाई थे मगर सौतेले। और मंटो अमृतसर में मैट्रिक में पै दर पै फेल हो रहा था। लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती। वो लफ्जों के पीछे यूं भागता है जैसे जाल वाला शिकारी तितलियों के पीछे। बचपन में मैंने जो कुछ चाहा वो पूरा ना होने दिया गया। मेरी हर ख्वाहिश कुछ इस तरह पूरी की गई कि उसकी तकमील मेरे आंसुओं और हिचकियों से की गई। तुम शुरू से ही जल्दबाज और जूद रंज रहे हो मंटो। पर अब मेरा दिल दर्द से भर गया है। यही वजह है कि मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार। जब तक दर्दमंदी तुम्हारे सीने में मौजूद है तुम हमेशा बेचैन रहोगे। इस दर्दमंदी ने मुझे कैसे भयानक दुख दिए। मेरी जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में तब्दील हो गए हैं। मैं बहुत मुफलिस हो चुका हूँ। नहीं, तुम माली मुफलिस हो, जहनी मुफलिस नहीं। खुदा का शुक्र है तुम जो कुछ महसूस करते हो अपनी जबान में बयान कर लेते हो, दूसरों की जबान बोलकर अपना सीना खाली नहीं करते। लोग कहते हैं मैं साफ और सीधी सड़क पर नहीं चलता बल्कि तने हुए रस्से पर चलता हूँ। वो हर वक्त इंतजार में रहते हैं कि अब गिरा, अब गिरा। लेकिन तुम कभी नहीं गिरे मंटू। लेकिन अगर अब गिरा तो फिर शायद कभी उठ ना सकूं। लोग मुझे गैर मजहबी और फौश इंसान समझते हैं, कहते हैं मैं अक्सर गंदे मौजूआत पर कलम उठाता हूँ। मैं वो मंटू जिस पर फौश निगारी के कई मुकदमे चल चुके हैं। लेकिन तुमने जब भी कोई मजमून लिखा पहले सफ़े की पेशानी पर 7-8 जरूर लिखा बिस्मिल्लाह। वो मंटू जो अक्सर खुदा से मुनकर नजर आता है कागज पर मोमिन बन जाता है। तुम साफ हो,
पाकीज़ा, तुमने मज़लूमों का दर्द सहा, गुनाहगारों के गुनाहों का कफारा अदा किया है, ग़लाज़त से लिथड़े हुओं की ग़लाज़त को अपने ऊपर ले लिया है। खुद को इल्ज़ाम मत दो, अभी तुम्हारी कहानी का अंजाम नहीं हुआ। मंटो, मंटो सर, कवायद उन लोग, काफी देर हो गई, आप गहरी नींद में थे, बेहोशी, सुबह हो गई। हमारी तो रात के साथ दोस्ती है भाई, रात को तो कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू से कैसे बच गया? कर्फ्यू उठा लिया गया है, मेरी दवाई लाए यहाँ अस्पताल में। दवाई अस्पताल में ही दी जाती है। मैं अपनी दवा लाया हूँ, तुमसे थोड़ी सी शेयर कर सकता हूँ। अनवर, सच्चा दोस्त वो ही होता है जो जरूरत पड़ने पे दोस्त के काम आए। नूर, पीछे से आवाज देने वालों से सख्त नफरत है मुझे। हाँ बोलो, क्या बात है? शाम को वकील आएगा कागजात लेके, तैयारी कर लो, मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। अच्छा फैसला किया, ऐसी लाइक हो और आप भी इसी के मुस्तहिक हैं। तो तुम तलाक लेने के लिए तैयार? हाँ, मैं आज जो भी हूँ अपनी वजह से, अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश, अपने हुनर की वजह से। मैं देखता हूँ मेरे बगैर तुम्हारा करियर कैसे चलेगा, कौन देगा तुम्हें फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स और कौन देगा तुम्हें गाने। शौकत हुसैन रिजवी के बगैर तुम कुछ नहीं हो, यू आर फिनिश्ड। अल्लाह वसाई, अल्लाह वसाई अपने बल पे नूरजहां बनी थी शौकत, और ये जो तुम्हारी गोपियां जिनके अंदर बैठ के तुम खुद को राजा इंदर समझते हो ना, ये तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगी और रह जाओगे अकेले तुम। मैं अकेला कैसे हो सकता? मेरे साथ मेरा स्टूडियो है, मेरा हुनर है, मेरे बच्चे हैं। शौकत, बच्चे वहीं रहेंगे जहां मां रहे। मैं उनका बाप हूं और इस शहर के मुअज्जिज़ीन में से हूं। मेरे पास दौलत है, इज्जत है, वसाइल है, जाहिर है वो मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उनकी माँ हूं शौकत, बच्चे भी बहुत छोटे, मेरे बगैर नहीं रह सकते। डोंट माइंड नूर, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक ऐसी औरत के पास नहीं छोड़ सकता जो लूज कैरेक्टर की हो। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी शौकत। मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सिर्फ मेरे बच्चे मुझे दे। बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं पहचानी नहीं, मैं जी नाज़नीन हूं। अच्छा, आपको इतराज तो नहीं हुआ जी? किस बात पे? मेरे यहाँ आने पर मुझसे रहा नहीं गया जी, मैं इनकी सारी कहानियां पढ़ती हूँ। ये तो आते जाते रहते हैं ना आपकी तरफ। तबीयत बहुत खराब है जी, जिगर का मसला है ना, इनको एहतियात करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं बोतलों को। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, मैं अब इनके साथ बहुत सख्ती करूंगी। अगर मुलाकात हुई जी, आप हमारे घर आ जाए ना। कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती, लेकिन मैं दुआ करूंगी। अब्बास ये खातिर बता रहा था, अब्बास कर, ये मक्खन लगाना और मक्खन खड़ाना बहुत हो गया, और ड्यूटी छोड़कर आया हूँ, काम बता। मेरा एक काम तो कर दे। Thank you.
ये पैसे पैसे उन्हें दे दो, बल्कि उन्होंने ला दे उनकी बेगम को, सफिया बाजी को। बंदोबस्त नहीं तो डोनर ढूंढिए। क्या हुआ भाजी? अच्छा ये इंजेक्शन कितने के आएंगे? ये मुझे पता नहीं है, मैं पता करके आता हूँ। और खून चाहिए? खून? वो खून देने वाले बाहर बैठे हुए तो होते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन वो तो पैसे मांगेंगे। मेरे पास तो सभी सलाम पापी जी। गिरफ्तार करने आए उन्हें? नहीं पापी जी नहीं। ये जी मंटू साहब की कुछ इमारत है। منتو صاحب کتنی دفعہ بتایا ہے آپ کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے؟ تو شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ سکون نامی بیماری نہیں ہے۔ رپورٹ میں کیا لکھا ہے ڈاکٹر؟ دیکھیں لیور پوری طرح سے ڈیمیج ہے، مزید کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بھی دعا کیجیے گا۔ اس نے آپ کو خون دیا ہے، ہاتھ ملانا چاہتا ہے آپ سے۔ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے منٹو صاحب؟ بہت شکریہ، کیا کرتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ماما جی۔ وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ابا، اور کل سے اسکول بھی جا رہی ہوں۔ ابا وہ خون آپ کا ہے؟ نہیں بیٹے، وہ خون ان انکل کا ہے، انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے ابا کو۔ انکل آپ کو درد نہیں ہوا خون دیتے ہوئے؟ نہیں تھوڑا ہوا، لیکن اب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا وہ کیوں؟ سعادت حسن منٹو کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کے ابو ایک بہت عظیم انسان ہیں۔ اچھا ماما جی تو کہہ رہی تھی کہ وہ ایک ہزار ہے۔ ماما جی بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ کیسے ہیں منٹو صاحب؟ زندہ ہوں ڈاکٹر صاحب۔ پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ زندہ رہنے کا ارادہ۔ گڈ، آپ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے۔ مسز منٹو ان پہ کڑی نظر رکھیے گا، کھانے اور خاص طور پہ پینے پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آپ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے، تو گھر جانے کی تیاری پکڑے منٹو صاحب۔ اللہ نے نئی زندگی دی آپ کو۔ بہت شکریہ۔
मैंने शॉर्ट हैंड का कोर्स खत्म कर लिया। गुड, कर जॉब शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास तो पहले से काम होते हैं। घर और बच्चियों के लिए आमदनी चाहिए, अब गुजारा कैसे होगा? मेरे बहुत मांग है। और इसके लिए जो मुआवजा वो आपको देते हैं वो घर तक कैसे पहुंचेगा? रास्ते में ही खर्च हो गया तो? पहले भी तो ऐसा कई बार हो चुका है ना। मुझे कोई गारंटी चाहिए। ذلتیں تھیں، اذیتیں تھیں، لیکن یہ میرا حق مہر ہے، یہ خط سب کچھ ہے جو میرے پاس بچا ہے۔ मंटू साहब ये ले मुआवजा। साद साहब ने अपनी तहरीरों के तमाम हुकूक मुझे दे दिए हैं, अब रॉयल्टी और मुआवजा मैं वसूल किया करूंगी। चले ये तो अच्छा हो गया, आखिर इंसान बीवी बच्चों के लिए कमाता है, किस तरह डायरेक्ट हकदार को उसका हक मिल जाएगा और बीच में उचक लिए जाने का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। दुरुस्त कह रहे हैं चौधरी साहब, और सफिया को भाव ताव करने का ढंग आता है, अब दुकानदारों की मजाल नहीं होगी कि वो कोई धोखा कर सके। आप भी जरा देखभाल कर दाम लगाइएगा। मंटो साहब हमने तो हमेशा अच्छे दाम लगाए और आपको एडवांस भी दिया है, हल पे जरूरत, वो मकतबे वालों की तरह नहीं कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाए। हैरत है, मकतबा वाले भी आपके बारे में यही कह रहे थे, हम अभी वहीं से आए। खैर ये तो उनकी कमजोरी है। भाभी वो हम मंटो साहब का मजमुआ छाप रहे, एडवांस हम दे चुके, तो बाकी के पैसे भी आप ही को देने होंगे। जाहिर है। बिलाल, ओ बिलाल,
बेगम मंटो साहब को साथ दिखा दो और इनसे साइन भी करा लो। अनीफ, तुम्हारा तो भाई मैं बहुत बड़ा फैन, तुम्हारी बैटिंग तो कमाल की और तुम्हारी और नजर की जोड़ी की तो क्या ही बात। बहुत अफसोस हुआ जो कुछ भी नजर के साथ हुआ है। हम सबको बहुत अफसोस है, वो एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी था। अफसोस ना करो सबक आमोस, हम सब खिलाड़ियों को किसी भी हालत में किसी ब्रांड का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ मगर कप्तान साहब, खिलाड़ी भी तो इंसान ही होता है ना, और इंसान का दिल भी होता है, और कभी कभी दिल के हाथों इंसान मजबूर भी हो जाता है, और फिर इंसान ऊपर से ठहरा खता का पुतला, तो खताएं भी होती हैं। फिर तो एक ही काम हो सकता है मंटू साहब, या दिल का काम मान ले या कप्तान का। ये भी खूब कही, लेकिन भाई ये जो ड्रॉ होने वाला सिलसिला है ये क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ। हम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं खेलते मंटू साहब, जीतने के लिए खेलते। ड्रॉ तो हो जाता है, क्या नहीं जाता। ये भी ठीक कहा, हमारी बेगम बहुत अच्छा गोंगलू गोश्त पकाती हैं। पक रहा है, कश्मीरियों की एक खास डिश होती है, तो वो जरा घुट रहा है, उसमें टाइम लगेगा। बुलाया था टीम को तब से ही बोली जा रही। चलो कोई बात नहीं, हम कब शब्द तो लगा रहे ना, वो भी बगैर पिए। क्रिकेट टीम से मिलकर आज बहुत खुश थे आप। इना छोड़ दिया मैंने, दवाइयां खिलाना और पिलाना नहीं छोड़ा। जब मैं अपना अक्स देखता हूं तो मुझे अपना चेहरा क्यों नजर नहीं आता? ये किस किस के चेहरे नजर आते हैं मुझे बताओ। किरदार है मंटू, किरदार तो मैं लिख चुका हूँ, मेरे कलम से निकल चुकी है। जाते क्यों नहीं, मेरा पीछा क्यों करते हैं मुझे परेशान। तुम्हारी तकदीर में लिखी जा चुकी है। कमजोर नहीं, मुझे चाहिए। हामिद, 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 अरे क्या हुआ, क्या हुआ सादत? मेरे पास ना है कोई, चली जाए यहाँ से, जाए। अरे कोई ना है मेरे पास। कोई ना है मेरे पास।
इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा हमें। वो कह चुके हैं वो जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। कोई ना है मेरे पास। अभी मैं जानती हूँ मैं से शराब पी शराब। ये सारा ड्रामा इसीलिए तो कर। मामा जी चुप करें आप। क्या तुम बच्चों को बाहर ना निकलने देना? क्या हमें? अरे नहीं नहीं खासा रुक जाओ। इनको नींद के इंजेक्शन की जरूरत है। अजू खाए मैं डॉक्टर के पास फोन करता हूँ। आप बाहर रहे मामी जान। अजू अजू सास सास साहब मेरी तरफ देखे मेरी तरफ देखे संभाल के सब पकड़ के रखे इनको साहब। सुबह तक सोते रहेंगे लेकिन ये आर्जी इंतजाम है। सुबह होने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना है। सुबह तो होने वाली है। एक ही हाल है मामी जान। मंतो साहब वापस आ गए। अले अले पागलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मंतो साहब आ गए मंतो साहब आ गए मंतो साहब आ गए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरी शागिर्दा भी हैं और उस्तानी भी। आपने मेरा गाना सुना था और मास्टर फिरोज साहब से मेरी सिफारिश की थी। ये एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ। एहसान ना जताया करें मास्टर जी, अच्छा नहीं लगता। फिरोज तुमने मेरा उन हालात में साथ दिया कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। ये लो, औरों पर एहसान करके भूल जाना चाहती हैं और दूसरों के एहसानों को भुलाती नहीं है, ये कहाँ का इंसाफ है। नजर कैसा है फिरोज? ठीक है, घर पे। घर पे क्यों? कहाँ जाएगा, खेल वो सकता नहीं है और बाहर निकलता है तो लोग बातें बनाते हैं। लोग तो बात करने से बाज नहीं आते, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब हर कोई आपकी तरह आहनी आसाब का तो मालिक होता नहीं है। आइए वकील साहब आइए। शौकत साहब बेटी जिल्लेहुमा की कस्टडी आपको देने पर रजामंद हो गए हैं। सच? या अल्लाह तेरा शुक्र। मगर उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर शानूर स्टूडियो से आप दस्तबरदार हो जाएं। मैं अपनी बेटी पे ऐसे एक क्या 10 स्टूडियो कुर्बान कर दूं। उसे स्टूडियो चाहिए, ले ले मुझसे स्टूडियो, बस सिर्फ मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो अपने बच्चों के लिए और अपने खानदान के लिए इतना कमाऊंगी कि शहजादों की तरह पालूंगी उन्हें। मेरा ख्याल है मैडम एक बार फिर सोच लें, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये दिमाग से रही, दिल से महसूस करने की बात है वकील साहब। ठीक है, जैसा बेहतर समझें। तो फिर मैं दूसरे वकील से मिलकर कागजात तैयार करवाता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बेटी आपके पास होगी। मैं चलता हूँ, ये शरायत है आप इन्हें देख लीजिएगा। मंटो साहब कुर्ते चेक करें। ये तो ठीक है तीनों के तीनों। और आपका दिल बहुत तगड़ा है। और आपका दिमाग, ये क्या क्या भरा हुआ है इसमें मंटो साहब? गम, गुस्सा, झंझलाहट। फिर वो कहानियां कहां से निकलती हैं? इसी दिमाग में से इन सारी रुकावटों को फलांग के आती है कहानियां। डॉक्टर ठीक कह रहा है। मंटो साहब चलो उठो, बताते हैं कहां जा रहे हैं। चले उठे अदी लाओ बता रहे। आप उठे चले जाऊंगा। उठे मैं वामित मुझे नहीं जाऊंगा। मैं के
केस कर दूंगा। आप लोग ये नहीं कर सकते। मैं केस कर दूंगा। इन्होंने सी एक्ट के खिलाफ कर दिया डॉक्टर। यार अनवर, ये वो मंटो नहीं है जो अस्पताल में दाखिल हुआ था। मंटो किसी के सहारे से चले? नामुमकिन। उन्होंने या तो उसको बहुत हैवी डोज दी है या इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा जुल्म वो रोज करते हैं। और इलाज है क्या इनके पास गरीबों के लिए? क्या कर दिया हम लोगों ने? मैंने उन्हें इस कैफियत में कभी नहीं देखा, खराब से खराब हालत में भी नहीं। ठीक हो जाएंगे मम्मी जान, कुछ ही देर में वो शॉक्स का इंजेक्शन का भी असर ज़ाहिल हो जाएगा, शराब की तलब भी कम हो जाएगी। बिजली के झटके लगा दिए उन्होंने मेरे साथ को। डॉक्टर्स हैं बेहतर नहीं है वो? डॉक्टर्स जंगली है, वैश्य, देखो उसको तुम। बहुत ज्यादा किया उन्होंने और तुमने भी। मिलेगी सिगरेट, मांग रहा हूं शराब नहीं, सिगरेट। मैंने जिंदगी में बहुत झटके सहे। बचपन में सौतेली माँ और बाप के संदूक के झटके, और इंडिया रेडियो आशिक और राशिद के नस्तर, मुंबई में अशोक श्याम और दोस्तों नफरत के झटके, पाकिस्तान आकर यहाँ आसिदों हरीफों दोस्तों के तीर से इन्हें पर सहे मैंने, लेकिन ये बिजली के झटके, ये बाजी गए बिजली के झटके, ये हरा गए चंद सेकंड की बात नहीं है, सदियों की बात है। लेकिन अब दादा नहीं जी पाऊंगा। अब नौकरी कर लो या जॉब कब कर लो तुम जॉब, कहानियों से क्या घर होते हैं, कितना घर चलाओगी कहानियों से, कितना घर चलाओगी। Thank you.
میں نے کہا تھا اخبار مت پڑھیے, کچھ نہیں ہوتا آج کل سوائے بری خبروں کے, پھر اتنا اثر لیتے ہیں آپ, چھوڑ دیجیے. لکھنی تھی مجھے. کس کی؟ اس کی. کن کن مظلوموں کی کہانی لکھیں گے ساتھ ساتھ؟ آپ آرام کیجیے, چھوڑیے. کاغذ قلم دو, بعد میں لکھیے. کاغذ قلم دو, کہانی لکھنی ہے اس کی. ساتھ ساتھ کی کہانی کی لاتی تھی اپنی کہانی میرے پاس, کہانی لکھنی تھی. میں لکھ دوں؟ میری نظم کا عنوان ہے منٹو. میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر, ایک درد بھری حیرانی میں, پھیلی پھیلی بھیڑ میں, اندھے اندھے کٹوروں کی توہیانی میں. جب وہ خالی بوتل پھینک کر کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے, دنیا اس کو گورتی ہے. شور سلاسل بن کے گونجنے لگتا ہے انگاروں بھری آنکھوں میں, یہ تم سوال کون ہے جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کے جال پامی زمان پر پھینکا ہے, کون ہے جو پھل کھاتے ضمیروں کے پرپیچ دھندلکوں میں روحوں کے افرید تدوں کے زہر اندوز مچلکوں میں لے آیا ہے بن پوچھے اپنے آپ اینک کے برفیلے شیشوں سے چھنتی نظروں کی چاہ, کون ہے یہ گستاخ آخ تڑاخ تڑاخ. حضرات یہ حضرات یہ ہلکے کی روایت نہیں کہ نظم کے بعد تالیاں بجائی جائیں. ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے ماما جی, آدھی چیزیں تو میں خرید ہی نہیں سکی حالانکہ سب ضرورت کی چیزیں تھیں. بیٹا تمہارا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے, مہنگائی اتنی نہیں بڑھی ہے. مجھے وہ کہانیاں انہیں دینی ہیں تو انتظار کر رہے ہیں, حساب چکانا ہے. اچھا آپ کو وہ معاوضہ نہیں دیں گے میرے بغیر, آپ کو یاد ہے آپ نے اپنے سارے حقوق مجھے دے دیے, میں ساتھ چلتی ہوں آپ کے. رکیے بعد میں وصولی کر لینا, میرا انتظار کر رہی ہوگی وہ. میری کہانی ساتھ صاحب میری بات سنیے, ساتھ ساتھ اپنی دوا کھا کے جائیے. منٹو میری کہانی کب لکھو گے منٹو؟ تمہاری کہانیاں ہی تو لکھ رہا ہوں, تمہاری تم جیسیوں کی. وہ میری کہانیاں نہیں ہیں, میری کہانی ابھی لکھی جانے والی ہے, اب وقت نہیں ہے, لکھ ڈالو میری کہانی. کیوں نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے, لکھو میری کہانی, لکھ ڈالو منٹو, لکھ ڈالو میری کہانی منٹو. نہیں منٹو, منٹو معاوضہ تو منٹو صاحب بیگم صاحبوں کو ہی ملے گا, آپ نے اپنے سارے حقوق ان کے حوالے کر دیے, ادھار ہی مل جاتا تھوڑا سا. ادھار کیا, نقد لے جائیں منٹو صاحب, بھابھی صاحب ہو کہیں وہ آ کے لے جائیں. اب
वो एक बोतल चाहिए थी। दीजिए 12 रुपए। सब तो नहीं है, उधार कर लो, बाद में चुका दूंगा। माफ कीजिएगा मंटो साहब, इस धंधे में उधार नहीं। आइए आइए मंटो साहब। कैसी तबीयत है आप? पिछले इतवार क्या इजलास हुआ हल्के का, मजीद साहब ने तो क्या भरपूर नज़म लिखी है आप पर। क्या लाइन थी वो? कौन है ये गुस्ताख, ताख, तड़ाख, तड़ाख। वो दाद ही इतनी मिली के सारे सदर ने भी तालियां बजा दी थी, मजबूर हो गया था। कुछ उधार मिल सकता है? यहाँ तो सब फुकरे बैठे हैं मंटू साहब, उधार यहाँ किसके पास? वैसे मंटू साहब, अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? दवा खरीदनी थी मुझे। दवा? अब वो इलाही अपने लोगों में आए थे, आप लोगों ने खाली हाथ बेचकर अच्छा नहीं किया। अरे अहमक, वो शराब खरीदने के लिए रकम मांगने आया था और शराब उसके लिए जहर कातिल है, एक घूंट भी जहर की तरह उसकी जान ले सकता है। क्या बात है मंटो, सब खैरियत तो है? बहुत जरूरत, रकम उधार चाहिए थी। उधार मुझसे? शाम में मिलते हैं, कहाँ से इंतजार कर रही है? बहुत बहुत जरूरत है। किसी से जिक्र नहीं कर रही। पगली थी ना जो सुबह सवेरे आपके पीछे भागी थी, वो पेट से थी। एक हमदर्द औरत की मदद से एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, उसे चर्च वाले ले गए। और वो भारत? वो पगली, वो बेचारी नहीं बची। और वो आपसे क्या चाहती थी? तुम क्या हुआ मंटो साहब, जल्दी अपने पैसे तो बकाया लेते जाएं। हल्का है अरबाब ज़ौक, जनाब शौकत थानवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, अपनी पुरजोश तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। हमारी खुशकिस्मती है कि आज मुल्क के नामवर अदीब, कॉलम नवीस, ब्रॉडकास्टर, ड्रामा निगार जनाब शौकत थानवी साहब इस पुरजोश तकरीब में शिरकत फरमाने के लिए तशरीफ लाए। अदब और समाजी इस्लाह के लिए इनकी बेपनाह खिदमात के इतराफ के तौर पर बिल्लू अंजुमन ये वही है ना वानवी वाले, इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है सर। अच्छी नहीं है? दूसरे स्टूडियो ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं,
پھر مقدمے بعد یہ اخباروں میں بری پبلسٹی کا بھی اثر پڑا ہے. پروڈیوسرز ہمارے پاس آتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہمارے اسٹوڈیو جیسا کوئی اسٹوڈیو ہے اس ملک میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کردار عورت کے جانے سے ہمارے اسٹوڈیو پر ایسا اثر پڑے؟ بس کرو بس کرو نہیں بس کرو بس کرو چل کالیا ٹھیک ہے جدے میڈم جی ادھر آ پرائیویٹ گل کر دی جی میڈم جی ہاں فون کیتا ہے کار سو گئی بچی جی میڈم جی بٹیا سو گئی نی کل اسی بابل پور جاواں گے بابل پور اکھو اچھو نوں ملن پرنسپل کا دعوت نامہ آیا ہے ڈائریکٹر نے کہا کہ ڈیٹا آگے پیچھے کرا لے ٹھیک ہے میڈم جی نازو دیکھ میں تیرے لیے دودھ لے کر آئی ہوں نازو کیا دیکھ رہی ہو دفعہ چیک کر لیجیے کہاں کہاں چیک کرو گی ایک گھن بھی خطرناک ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے کہا کب تک نگرانی کرو گی میں تو کہتی ہوں چھوڑ دو اسے اس کے حال پر اور دعا کرو ہمیں اس آزمائش سے نجات ملے ماما جی سعادت کی زندگی کی بات ہو رہی ہے ان بچوں کے باپ کی میرے خاوند کی بات ہو رہی ہے ایک شخص نے زہریلا سانپ پال رکھا تھا اس کا خیال تھا وہ اس کا پالتو ہے اس سے مانوس ہے اسے کچھ نہیں کہے گا وہ اسے پالتا رہا دودھ پلاتا رہا اور ایک دن اس بے وفا نے اسے کاٹ کھایا اپنا سارا زہر اس کے جسم میں اتار دیا اس شخص نے شدید غصے کے عالم میں اس سانپ کا منہ اپنے دانتوں میں چبا کر کاٹ پھینکا کتنی دیر کر دی کھانے کا بھی وقت ہو گیا اور دوا کا بھی اثر کی طرف بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کھانا کھا لیا ہے میں نے کہانیاں دیتی ہاں کل تم چلی جانا معاوضہ لینے کیوں آپ نہیں جائیں گے تم اکیلی چلی جایا کرو صفیہ دروازہ بند کرو سردی بڑھ رہی ہے اور میرے کمرے میں کوئی نہ آئے مجھے بہت کام کرنا ہے آرام کیجیے ساتھ ساتھ کر لوں گا آرام جو ادب جدید کا ترقی پسند ادب کا فحش ادب کا یا جو کچھ بھی ہے یہ خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں تو صحیح راستہ یہ ہے کہ ان حالات کا خاتمہ کر دیا جائے جو اس ادب کے محرک ہیں مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں میری تحریر میں کوئی نقص نہیں
जिसको मेरे नाम से मंसूब किया जाता है। मैं तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं दर्जियों का है। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि तख्ता स्याह की स्याही और नुमाया हो जाए। यहां सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में फन अफसाना निगारी के तमाम असरार व रमूज दफन है। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है। मैं मंटो। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर एक गर्द भरी हैरानी में फैलती भीड़ के औंधे औंधे कटोरों की तुगयानी में। जब वो खाली बोतल फेंक के कहता है दुनिया 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 तेरा हुस्न यही बदसूरती है, दुनिया इसको घूरती है, शोर सलासल बनकर गूंजने लगता है। अंगारों भरी आंखों में ये तुंद सवाल, कौन है ये जिसने अपनी बहकी बहकी सांसों का जाल बामे ज़मां पर फेंका है। कौन है जो बल खाते ज़मीरों के पुरपेच धुंधलकों में रूहों के अफरीत कदों के जहर अंदोज महलकों में ले आया है यूं बिन पूछे अपने आप ऐनक के बर्फीले शीशों से छनती नजरों की चाप। कौन है ये गुस्ताख